चलो देखो आज नया चैप्टर। हेलो इधर देखो, चलो हे बच्चा लोगो इधर देखो, देखो 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 उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा सुन लो पहले ध्यान से अच्छे तरीके से। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा कम से कम 3, 4 या 5 सवाल मान कर चलिए यहाँ से, 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल, क्योंकि केवल में उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा नहीं पढ़ाने वाला, केवल में उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा ही नहीं पढ़ाने वाला, उत्तराखंड के साथ साथ पॉलिटी का भी सारा सेक्शन रिवीजन करवा दूंगा तुम्हें। समझ नहीं पाते, दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक, एक यही सिलेबस तो समझ जो तुम मेरे से पढ़ सको बहुत गहरे तरीके से डेप्थ में जाकर, यहाँ मैं पॉलिटी का भी सारा रिवीजन करवा दूंगा तुम्हें, बहुत सारे फैक्ट जो पक्का डायरेक्ट तुम्हें पेपर पर दिखाई देंगे, और समझना भी सर। ठीक, और इतना पढ़ लो ताकि तुम भी किसी को पढ़ा सको जाकर। देखो ऐसा पढ़ाया जा, समझ नहीं पाते, पढ़ लो सर अच्छी तरह पढ़ लो जाकर कि देखो ऐसा पढ़ाया जा, इसे पढ़ो खोल लो क्लास में जाकर। क्लास का नाम वही है उत्तराखंड GS 360 डिग्री, वहीं घूमेंगे आज, फिर ऐसे ही घूमेंगे 360 पूरा घुमा छोड़ दूंगा, कभी कभी 720 घुमा दूंगा मैं। ठीक, इसलिए मोबाइल फ़ोन जो सब चीज़ें साथ में लेकर बैठी हो, ये PDF मौजूद है, PDF देखो मैंने सबको भेज दिया है, ये PDF इसके बिना पढ़ाई नहीं होने की, मतलब मेरी क्लास देखो ही जब जब PDF हाथ में होगी, और PDF को प्रिंट करवा लिया बहुत सारे बच्चों ने, समझ ही बात किया, तो जो यूट्यूब देखने वाला तो ये भी प्रिंट आउट लेकर बैठ, ये बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान कर, मैसेज करके परेशान कर कि भाई बोर्ड पर लिख लेकर, भाई अंधा होगा क्या तू, मतलब इतनी तमीज नहीं आएगा तुझे, ये ग्रुप किस लिए बनाया गया, बार बार बताऊंगा चुपचाप जाकर ज्वाइन कर क्लास में। मैंने कहा बेटे तू मेरी क्लास में नहीं, इतनी खाल उतार देना तेरी याद रखता, तू बिना कॉपी के क्लास में नहीं बैठा था, सारा भूत उतार देता तुम्हारा। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा ध्यान से सुन लो दोबारा फिर, अब उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा स्टार्ट करने खत्म हो जाएगा आज, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बकवास जो पढ़नी ना वो पढ़नी नहीं तुम्हें यार, समझ बात है, मतलब कुछ भी याद करवाओ जा रहे, देखो उसका क्या क्या याद करवा रहे उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे में, तो इसकी पौधे की लंबाई कितनी होगी, कौन से कुल का पायचा, फलाना ढीमा, मतलब कुछ भी यार कुछ भी पढ़ाए जा रहे 40-50 क्वेश्चनों के लिए। अंतिम टाइम पर क्या पढ़ोगे, इंजीनियरिंग अप्रोच अपनानी चाहिए अंतिम टाइम पर, जो क्वेश्चन 4-5 आने वाले, इतना बड़ा चैप्टर तो क्या करेंगे हम लास्ट में जाकर, वो पढ़ेंगे जहाँ फोकस होगा, वो कैसे पता लगेगा फोकस होगा, एक्सपीरियंस चाहिए टीचर का, वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ एक्सपीरियंस वाला, इससे पहले कुछ बात सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ठीक है, यूट्यूब वाला भी देख रहा होगा, भाई साहब जब जो उत्तराखंड का PCS दे रहा होगा, तुम भी ध्यान से सुन लियो कि तुम्हारे भी काम का, कभी यूट्यूब वालों भी ध्यान देते रहो, यूके उत्तराखंड का जो PCS दे रहा होगा, ठीक UKPSC का जो पेपर होगा उत्तराखंड PCS का, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी मैंने कब को 28 जून, समझ में आया बात यार, और जो 28 जून को टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी ना उस तरह से बेस्ट कोई टेस्ट सीरीज नहीं होने की, याद रखना बात यार, 28 तारीख तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, और 14 तारीख तक, 14 तारीख के एक दिन पहले तक लगातार टेस्ट सीरीज चलेगी, एक एक टेस्ट को समझाया भी जा सके जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम होगी, प्रॉपरली टेस्ट सीरीज होने वाली है, और इसे सभी बच्चों को जो उत्तराखंड का PCS का जो देख रहा होगा उन सब बच्चों के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, सही, उनकी जिसकी फीस है ना वह भी उन्हीं के हिसाब से रखी गई, ना तो मेरा मकसद पैसा कमाना है, क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया पैसा मेरे पास बहुत है, समझ आई बात है, मेरा मकसद इससे पैसा कमाना कुछ नहीं है, उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करवाना, मार्केट में टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट ढूंढे टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट का दाम 5,000 4,000, एक बच्चा कहाँ तक खरीद लगा यार कुछ भी, मतलब टेस्ट देखा ना थर्ड क्वालिटी का टेस्ट, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता उसमें, इस टेस्ट को उठाना ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया जिस हिसाब से मैंने तुम्हें दिया, जिस हिसाब से मैंने तुम्हें जो टेस्ट बताया, समझ में आया बात है, इसे उठाना फिर बताऊंगा डायरेक्टली क्वेश्चन, समझ में आई बात है, इसी हिसाब से डिजाइन करा जाना पूरा का पूरा। तो मैंने टेस्ट को टेस्ट के हिसाब से ना कमियों नहीं कहा कि कोई टेस्ट लीजिए इतने की टेस्ट लीजिए, नहीं मैंने यूँ कहा जितना जिसके पास जिसे अफोर्डेबल लग रहा है वो टेस्ट का इतना फीस पे कर देगा, समझ, इससे क्या होगा सब जुट जाएगा, इससे क्या सबका साथ सबका विकास, कोई छूटता तो नहीं, कोई छूटता ही, समझ नहीं, अभी कहता हाँ चलो भाई इसका 5,000 फीस, तो बच्चा फिर उसके दिमाग में पता क्या आता, ना यार टेस्ट का फीस ज़्यादा हम नहीं पे करते, तो छूट जाता, अब टेस्ट उठागा कम से कम करेगा तो 15 टेस्ट सारा सिलेबस रिवीजन, समझ गए 15 टेस्ट सारा सिलेबस रिवीजन, भाड़ बजाओ पूरा मार्केट एक तरफ चला जाओ, तो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा पढ़ने के लिए पता लग कितनी तारीख को 28 तारीख को चुपचाप जाकर स्टेटस लगा देना बढ़िया वाला टॉप का कि चलो भाई 28 तारीख को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, 2 दिन तक 4 दिन तक 5 दिन तक स्टेटस दोस्तों, ठीक पता तो लगा ना, पब्लिसिटी भी जरूरी हो, सही बात है कि उत्तराखंड PCS का कोई टेस्ट भी है ऐसा करके 15 टेस्ट CSAT भी है उसमें, CSAT के सारे क्वेश्चन भी है सब उसमें, ठीक वो किस तरह डिजाइन कराएगा वो पूरा एक प्लानिंग है,
समझ में आया बात क्या? 28 तारीख को 1-to-1 मेंटरशिप भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ सर। अगर बिजी होगा ना तो फिर नज़र भी नहीं आता मैं किसी को। समझ में आया बात क्या? उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, और उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे के लिए अब खोलो नोट्स अपने पास, जो नोट्स है तुम्हारे पास, ठीक, नोट्स खोलो जल्दी फटाफट, खोलिए नोट्स। उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा, राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप गुरुजी? पहला ही क्वेश्चन जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ, जो सवाल बन सके यहाँ तो नोट्स के अंदर, तो नोट्स नहीं होगा यहाँ मत पढ़ना बिल्कुल भी, हिंदी खराब हो जाएगी नहीं तो। उत्तर प्रदेश ना, सुन लो ध्यान, नोट्स में क्या लिखा हुआ उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले, कौन सी चीज़ काम की होगी। देखो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी राज्य थे, जो उत्तर प्रदेश था ना, देखो दो सन 2000 से पहले ना हम उस तो आते थे, यूपी में आते थे सन 2000 से पहले पहले, उत्तराखंड बना ही नहीं था। उत्तराखंड की पैदाइश कब की, उत्तराखंड कब पैदा हुआ? सन 2000 में। इसका मतलब मेरा जन्म तो 1998 में हुआ, इसका मतलब मैं तो यूपी की पैदाइश हूँ, तो मैं यूपी वाला हूँ। अब बताओ कौन सा शहर मतलब जो 2000 के बाद पैदा हुआ, कौन 2000 के बाद पैदा हुआ? तुम सब उत्तराखंड वाले हो, समझ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है आज से, आज से मैं अलग तुम्हें अलग, समझ में आई बात है? सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, इतनी सी डेट पूछ लीजिए पेपर में, यहाँ पीसीएस वाले में पूछी हुई। अच्छा यार सवाल तो बड़े बड़े पढ़ कर जा गए, बड़े बड़े सवाल करके जा रहे बड़े बड़े, ये हाथ से निकल गया बेचारा, ये छोटा सा क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, ये तो कई साल से पूछ लिया। तो उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। मैं कितनी बार समझाया किसी भी चीज़ को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों? एक छोटी सी तिल्ली पूरे जंगल को राख बना था, अल्मोड़ा को पूरा जंगल फूंक दिया, सच में ही तो मजाक नहीं कर रहा, उस सारे वहाँ से फॉरेस्टर गार्ड के सैनिक भी मर गए। अब वो एक पुराना डायलॉग जो समझाया था, वो जो गंदा पानी हो ना नाली का, वो प्यास तो बुझाता नहीं लेकिन आग तो बुझा ही दे, तो इसलिए किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, तो छोटा ना समझे तो पर्सन को चलने की बात है, ठीक। तो 9 नवंबर कितना 2000, इस दिन उत्तराखंड पैदा हुआ था, इसका हैप्पी बर्थडे मनाया जाओ उस दिन। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, धीरे 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 चलेंगे, धीरे धीरे ले भी तुरंत लेवल बढ़ाएंगे। भारत का ना उत्तराखंड जब बनाया गया तो भारत का यो गणतंत्र का 27वां गणतंत्र राज्य था। अब 27वां गणतंत्र राज्य था, कौन सा गणतंत्र राज्य था? अच्छा 27वां गणतंत्र राज्य था, गणतंत्र शब्द का मतलब क्या हो? अब बताओ तुम से कौन बताता मुझे गणतंत्र का मतलब क्या हो? हमारे देश का जो प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख होगा ना, वो भी संवैधानिक तौर पर उसका भी चुनाव होगा, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उसे बोल लो गणतंत्र। सही बात है, यानी यहाँ ना यहाँ यहाँ ताना चाहिए नहीं होने की, बिल्कुल गणतंत्र हम अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में भी हम संप्रभु, सॉवरेंटी हमारे पास, संप्रभुता हमारे पास, हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र, उस पर किसी का दबाव नहीं है। अच्छा गणतंत्र का मतलब बताओ, गणतंत्र खाली गणतंत्र शब्द का जल्दी बताओ यार फटाफट। देश का जो संवैधानिक प्रमुख हो ना, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसका भी चुनाव होगा, ऐसी व्यवस्था हमारे पास मौजूद है, ऐसा ही बना हमारे यहाँ। सुन लो ध्यान लगाकर, 27वें नंबर का गणतंत्र, यानी जनता के आधार पर जनता ने बनाया, 27वें नंबर का गणतंत्र राज्य है, सही बात है, 27वें नंबर का। 13 जो हम हिमालय ना, हिमालय में, तो हिमालय में कौन से नंबर का आया था? हिमालय में 11वें नंबर के रूप में आया, तो पूछा जाएगा उत्तराखंड ना कौन से नंबर का? 11वें नंबर का। कौन से नंबर का? 11वें नंबर का हिमालयी राज्य हो। और हिमालयी राज्य कौन से हो? अरे भाई भारत का नक्शा नहीं देखा तुमने जिंदगी में कभी की भी? भारत का नक्शा देखा हो? ये पूरा का पूरा यहाँ से देखो, भारत का नक्शा ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ, नामचा पर्वत से लेकर, और यहाँ तक जो फैला हुआ पूरा हिमालय तो, और हिमालय पर्वत है नहीं पूरा, कहाँ से नामचा पर्वत लेकर ये कौन सा नंगा पर्वत तक जो फैला हुआ पूरा का पूरा 2500 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय फैला हुआ, तो उत्तराखंड जो हिमालय पर ही स्थित है, यहाँ हिमालय पर ही स्थित उत्तराखंड, ये समझ रहे हैं बात यार। तो हिमालय के अंडर में कौन से नंबर पर हुआ? 13वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, याद रहेगी बात याद नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? दो तीन फैक्ट याद हो गए। गणतंत्र के मामले, कौन सा गणतंत्र का राज्य है? 27वां। कब पैदा हुआ है? चलो 9 नवंबर 2000 को पैदा हो गया। उसके बावजूद इस तरह 1 जनवरी 2007, इससे पहले पहले इसका नाम पता क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था इसका? लेकिन 1 जनवरी 2007 के बाद ना इसका नाम उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। जिस दिन देहरादून वाले रूट को प्रवेश करोगे ना, वहां लिख रहा है देवभूमि में आपका स्वागत है। क्या लिख रहा है? देवों की भूमि, यहाँ जहाँ हम रहते हैं यही तो देवों की भूमि।
तो 9 नवंबर 2000 हो गया, 11वें नंबर का हमारे पर्वतीय राज्य हो गया और 27वां गणतंत्र राज्य होगा। 1 जनवरी 2007 को पैदा हुआ उत्तराखंड के रूप में, पैदा तो सन 9 नवंबर 2000 को ही उत्तरांचल के रूप में पैदा होगा था। उत्तरांचल उत्तर का आंचल इसे बोलते हैं, उत्तरांचल उत्तर का आंचल, आंचल मतलब स्थान, हिमालय के उत्तर का जो स्थान आंचल उस स्थान को उसे उत्तरांचल बोलते हैं। उत्तराखंड उत्तर का जो खंड उसे बोलते हैं उत्तराखंड, याद रहा ये बात है। चलो आगे चलते हैं, जब कोई राज्य बनाया जाए ना, कोई भी राज्य बनाया, अच्छा राज्य क्यों बनाया जाए पता तुम्हें, किसी राज्य को एक राज्य में से काट कर अलग क्यों बनाया जा, बड़े राज्य में छोटे राज्य काट कर क्यों बनाया जा, क्योंकि प्रशासनिक सुविधाएं होती है। प्रशासनिक सुविधाएं का मतलब क्या हो, अरे भाई मुझे पहले काम के लिए पहले लखनऊ जाना पड़ता था, तो मैं बार बार लखनऊ नहीं जाऊँगा, लखनऊ जाने में देखो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से, अब मैं देहरादून चला जाऊँगा आराम से अपने सारे काम के लिए, तो होगे नहीं आम लोगों को सुविधाएं, इसलिए तो उत्तराखंड की दो राजधानी बनाई गई। सही, एक तो गैरसैंण होगी चमोली के अंदर, और एक दूसरी कौन सी होगी, देहरादून। श्रीनगर कहाँ से होगी, श्रीनगर राजधानी उत्तराखंड की, मम्मी अम्मी जा रहे टू चन हो गया था कि फैक्ट। नेक्स्ट तुम्हें बताओ, जब एक राज्य में से काट को दूसरा राज्य क्यों बनाया जा, क्या ही बताओ, क्यों बताओ, जब एक राज्य बनाया जा ना काट का, तो ये उत्तराखंड के लिए तो बहुत आंदोलन हुए, बहुत, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे सारे आंदोलन पढ़ेंगे और सारे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, मतलब वही फैक्ट टच करूँगा जो पेपर मांगे, और यहाँ भी मैं वही फैक्ट टच कर रहा हूँ जो पेपर मांगे, और कंसेप्ट भी बोल के बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाया। सही बात यार, टीचर अपना नोट्स नहीं देता, बड़े हरामी हो, मैंने कहा मैं ले जाऊँ मुझे क्या करना उसका, और ऐसे नोट्स नहीं है किसी का, मैंने कहीं के नोट्स चेक कर लिए कहीं के, ठीक। वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, क्या कहा, बस ओल्ड इज गोल्ड, इसे अपडेट कर लो चुपचाप, देखो तो नोट्स के अंदर इन्होंने छाप छाप कर कैसे बना रखे हैं। सही बात यार, तो बच्चों को भी मेरी तेरी समझ पैदा कर दी थी, देखो छाप छाप का चित्र कैसे बना रखे, देखो छाप छाप का चित्र कैसे बना रखे, देखो पूरा का पूरा पक्षी बना रखा है, तो इसमें मेहनत कर रखी भाई, इन्हें पहले ही सलाह दी गई थी भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। आओ चलते हैं, तो जब एक राज्य बनाया जाएगा तो राज्य की पहचान भी तो होगी। सही बात यार भाई, तुम्हारा तुम्हारी पहचान क्या है, मेरा आधार ही मेरी पहचान। सही बात यार, तो आधार कार्ड से पहचाने जाओगे, इसी तरह उत्तराखंड की पहचान क्या होगी, उसने एक प्रशासकीय चिन्ह दे जाएगा, देखो राज्य चिन्ह दिया जाएगा, उत्तराखंड शासन जो रहा, उत्तराखंड शासन लिखा हुआ नहीं, उत्तराखंड गवर्नेंस का ये साइन बनाया गया, लग बनाया गया, दिखाई दे रही हिमालय पर्वत की तीन चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, उसकी बीच में लहरें सी दिखाई दे रही हैं, किस गंगा की चाल लहरें हैं, गंगा की चाल, ऊपर हिमालय की कितनी चोटियाँ हैं और बीच वाली जो चोटी होगी कितनी चोटियाँ होगी, तीन चोटियाँ होगी हिमालय की, इसका मतलब क्या, तीन तो चोटियाँ होगी चार लहरें होगी, इसका मतलब उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है हो, जब तुम अपने यहाँ का राशन कार्ड देखोगे उसके ऊपर भी छपा हुआ हो, जब किसी पुलिस वाले को देखोगे उसके पास भी छपा हुआ मैं लगा दूँ, मैं उत्तराखंड के कई अंदर कहीं भी चले जाओ, इससे तो उत्तराखंड की पहचान हो जाएगी, अच्छा उत्तराखंड का, ऐसे तो फिर यूपी का भी होगा, तो हम तो यूपी वाले हैं नहीं, यूपी वाले देखेंगे। सही बात है, हमें क्या लेना यूपी वाले से, ऐसे तो हर प्रत्येक राज्य का होगा, ऐसे ही प्रत्येक राज्य का हो, समझना ये बात है, ऐसे ही प्रत्येक राज्य, ऐसे तो भारत का भी चिन्ह होगा कोई, तो भारत का चिन्ह सबको नहीं बताएगा कौन सा भारत का नक्शा हो। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, उत्तराखंड शासन चिन्ह होगा, तो इसका मतलब जो चित्र दिखाई दे रहा ना तुम्हें हो, इसके अंदर जो गंगा की चार लहरें दिखाई दे रही है, तीन चोटियां दिखाई दे रही है, ये उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से राज्य चिन्ह डिजाइन करा गया, क्योंकि यहाँ पहाड़ और नदियाँ, तो पहाड़ और नदियों के अलावा है ही क्या, यहाँ से लोग पहाड़ और नदियाँ ही देखने आएंगे गर्मियों के मौसम में, समझ ही बात यार, इन पहाड़ और नदियाँ देखने आएंगे गर्मियों के मौसम में, और वही इसके राज्य चिन्ह में भर दिया गया जिसे नवीन बनाया है चिन्ह, समझना ही बात यार। चलो आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ खास बात कोई खास बात नहीं है, हाँ बीच में जो बीच वाली चोटी उस पर अशोक की लाट भी है, देखो बीच वाली जो चोटी है ना उस पर अशोक की लाट भी है, लेकिन पूछने का नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले समझा दिया तुम, और जिसे पढ़ने का शौक हो मेरा नोट्स पढ़ो आराम से, लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाओ, पढ़ो याद में वो करवाऊंगा जो यहाँ पेपर मांगा, बता लगा ना उत्तराखंड गणतंत्र के मामले में कौन सा राज्य है और पर्वतीय क्षेत्रों में, इसका मतलब 10 राज्य ऐसे होंगे जो पहले बन चुके होंगे पर्वतीय क्षेत्र के। अच्छा पर्वतीय राज्य हम कह रहे तो उन्हें तो कुछ विशेष छूट मिलती हुई, हाँ जब विशेष छूट क्या होगा जी, जो विशेष राज्य का दर्जा होगा एक प्रकार से, हाँ ये कौन सा राज्य होगा भाई जी आराम से बताओ, अरे भाई 90% पैसा मिला केंद्र सरकार की तरफ से, कितना पैसा
90% पैसा तो बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारा पैसा, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। ये बड़ी अच्छी बात हो, बिहार को ही तो इस राज्य इस तरह के राज्यों में शामिल करने की बात चल रही, एक विशेष राज्य का दर्जा दे उसे, तो फिर 90% पैसा मिलेगा और 10% केंद्र की राज्य की सरकार खुद पैसा खर्च करेगी। समझ बात क्या? तो जो बिहार वाले नीतीश कुमार जो बाबू होंगे, वे यही तो चाह रहे बिहार को मोदी के साथ जब भी तो मिले हुए, वे यही तो चाह रहे जल्दी जल्दी विशेष राज्य का दर्जा दे दे। लेकिन मोदी जी ने वादा करा था 2015 में, इसीलिए बिहार के लोग बहुत खपा रहेगा मोदी जी से कि वादा करते हैं। मोदी जी तुम तो चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। समझ गए? चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ राज्य के पुष्प, आ जाओ, ये दिख रहा तुम्हें एक फूल सा भरम कमल, ये देखो भरम कमल, ये राज्य का पुष्प। सही बात है, राज्य का पुष्प। ऐसे एक बात बताओ कर, एक क्यों मनाया जाए पता लग गया, प्रत्येक राज्य का एक पुष्प होगा, तो हमारे राज्य का पुष्प भरम कमल, कारण पता क्या हो, ये एक ऐसी वनस्पति, यह नष्ट होने की कगार पति। सही बात है, नष्ट होने की कगार पति, इसलिए हम अपनी जीव विविधता को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे बचे रहने चाहिए, जंतु बचे रहने चाहिए, इसलिए उसने राज्य का दर्जा घोषित कर दिया। अच्छा चलो, इसे संरक्षण देने के लिए, इसका कंजर्वेशन करने के लिए, समझ नहीं पाते, उसने हमने राज्य का दर्जा दे दिया, पता लग गया ना। उसके बाद नाम क्या है? भरम कमल। क्या है? भरम कमल। अब ये जो फैक्ट 4800 तो लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर, भाई ग्रुप सी में भी बहुत कम लेवल पर पूछा जाएगा, पर बदतमीजी होगा जो इन्हें बैठ के याद कराएगा, मतलब कुछ भी फालतू की एनर्जी वेस्ट करे जा रहे हैं। ठीक, 4800 तो लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो पढ़ रहा होगा, तो ग्रुप सी में जब पूछा था, जब पेपर लीकेज हुए थे, अब ये भी नहीं पूछता, उसका भी लेवल बढ़ गया, उसे भी अकल आ गई, इसकी ऊंचाई नहीं पूछने का बैठ कर। हाँ, ये पूछा जा सकता, कौन से कुल का पौधा है ये जो ना भरम कमल, राज्य का पहले उन्होंने बताओ, दूसरे ने राज्य का पुष्प पता लगेगा, तुम राज्य का पुष्प कौन सा, राज्य का पुष्प हमारे पास पता लग चुका भरम कमल, कौन सा भरम कमल हुआ, जब भरम कमल हुआ हमारे पास तो भरम कमल तो होगा, ये कौन से कुल का पौधा, ये नोट्स में लिखा हुआ देखो, एस्टेरेसी। हाँ, ये कुल, इसका खानदान क्या है, एस्टेरेसी, ये पूछा जा सके, एस्टेरेसी कुल का पौधा, ये इसके पापा, समझ ही बात यार, ये इसके दादा परदादा। हाँ भाई, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया, इसका नाम हो सोसुरिया अबवेलेटा, पूछूंगा याद रखना, भी पूछूंगा सोसुरिया अबवेलेटा, किसका नाम है, भरम कमल का। बस हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है, कौन से कुल का पौधा, एस्टेरेसी कुल का पौधा, याद होगी बात, वैज्ञानिक नाम भी याद होगा, बताइए दोबारा वैज्ञानिक नाम, सोसुरिया, याद रहेगी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम, स्थानीय भाषा में जब तुम पहाड़ों पर चले जाओगे, लोग इसे भरम कमल नहीं कहते, कोल पदम के नाम से जानते हैं, जो लोकल कम्युनिटी हो ना वहाँ की, आसपास की, जो उत्तराखंड की, जो ऊपर की जो कम्युनिटी हो, स्थानीय भाषा में लोग इसे, लोकल जो कम्युनिटी होगी वह बता सके कोल पदम कहती है, क्या कहती है, कोल पदम, याद रहेगी बात, ये कोल पदम कहते हैं इसे, नाम क्या है, भरम कमल। लेकिन महाभारत पढ़न जाओ, देखो ज़्यादा डेप्थ सवाल होगा नहीं, छोड़ देख रहे, स्किप कर देख रहे, महाभारत में से पता क्या है, सुगंधित पुष्प कहते हैं, सुगंधित, और वाक्य में इस मतलब सुगंधित पुष्प जैसी आवो, तो दोबारा रिविजन करवा दूँ एक बार, चलो एक बार बताओ, उत्तराखंड है ना, कौन से नंबर का गणतंत्र राज्य है, कब पैदा हुआ था उत्तराखंड, पर्वतीय राज्यों में कौन से नंबर पाओ, उत्तराखंड कब नाम पड़ा इसका, इससे पहले कौन क्या कहते थे सर, उत्तरांचल का अर्थ क्या हो, उत्तर का अंचल, आंचल का मतलब स्थान। उसके बाद राज्य पुष्प कौन सा आयो, हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, भरम कमल, भरम कमल कुल, कौन से कुल का पौधा, लोकल कम्युनिटी क्या कहती है सर, लोकल स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, वहाँ जब पड़ोस की जाकर, पड़ोस की बांधाई पता क्या कहते हैं, ए बेटी एक वो ना कोल पदम लिया तोड़ का, तो तुम्हारी समझ में नहीं आने का, कोल पदम, अच्छा भरम कमल कह रही, समझ गए, ये वाली बात है, आगे पढ़ो जल्दी, पढ़ो 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 पढ़ो। देखो सबसे बड़ी खास बात है, जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर 3 माह के भीतर ये उगता है। सही बात है, जो हमारा ये हो ना पौधा भरम कमल, जो जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर के आसपास उगा, कभी कभी पूछ रहे थे बदतमीजी वाले पर्सन,
सही बात यार, 60-70-80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो, ठीक है, एक बार मोटे मोटे तरीके से देख ले कर, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करने का मैंने तुम बता दिया, इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लेना और इसका जो कुल है ना, ये कौन से कुल का पौधा उसका याद कर लेना और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। आज चले आगे चले जाओ राज्य पक्षी पर, बड़ी इंपॉर्टेंट राज्य पक्षी है, तीसरे नंबर का राज्य पक्षी, अभी उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, ठीक, वो भी ध्यान दे लो, राज्य पक्षी का नाम है मोनाल, मोनाल। अब मोनाल के बारे में देखते हैं, एक बात बताओ मोनाल के बारे में, मोनाल केवल उत्तराखंड का ही राज्य पक्षी नहीं है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी हो, और साथ साथ नेपाल का तो है ही, उत्तरा जो हमारा यहाँ से हिमाचल प्रदेश पड़ा ना, उसका भी राज्य पक्षी हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा बताओ नेपाल ने अपना राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया, और जो उत्तरांचल वाले उत्तराखंड वाले इन्होंने अपना राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया सर, क्योंकि इसकी प्रजाति नष्ट हो रही है, इसके पंख उतार उतार कर ना, लोग इतने बदतमीज है ना, इन्होंने हमारी जीव विविधता को इतना नुकसान पहुंचाया, इतने बदतमीज किस्म के लोग रहे, बेशरम लोग रहे, यहाँ से उतार कर इसके पंख और पंखों को पीस कर तब दवाई बना रहे, और दवाई पता कैसी बना रहे, तुम्हें जान के हैरानी होगी, उसकी क्रीम बना रहे, और क्रीम जो है ना वह चेहरे पर लगा रहे, बताओ मतलब एक पक्षी को मार दोगे तुम, इतने बदतमीज किस्म के इंसान, इसीलिए इसकी प्रजाति नष्ट होती चली जा रही थी, इसीलिए राज्य ने सोचा क्यों क्यों ना इसे राज्य पक्षी बना दिया जाए, ताकि इसका कंजर्वेशन करा जा सके। आगे चलो भाई, इसे ना हिमालय के म्यूर के नाम से जानते हैं, यही है हिमालय का म्यूर, किसका म्यूर है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी हो, यस हिमालय का म्यूर कहलाता हो, यस याद रहेगी बात यार, इसका भी वैज्ञानिक नाम याद रखना, कौन सा साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा, तो साइंटिफिक नेम का मतलब देख लो इसका क्या होगा, लोफोफोरस इम्पी जेनस, ये नाम पूछे जाओ पेपर में, ये बताओ राज्य पुष्प याद होगा, भरम कमल होगा, कुल एस्टेरेसी कुल होगा, कुल पद्म होगा, राज्य पक्षी मोनाल होगा, उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम लोफोफोरस फोरस इम्पीजेनस याद होगा, ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ें हो, छोटे छोटे देखो उस सारा का सारा डाटा हटा दिया मैंने, जो बकवास चीज़ें पढ़ने पर लगे हुए तुम, उसके बाद नीचे चार मुख्य प्रजातियाँ दे रखी है, ठीक है, जिसे 2036 में एग्जाम निकालना ना वो पढ़ लेना था, सही बात यार, उत्तराखंड के सुन लो ध्यान लगाएगा, उत्तराखंड के अंदर कश्मीर नेपाल, कश्मीर हो रहा ना, कश्मीर नेपाल तथा असम में स्थानीय भाषा में इसे ना मुनियाल भी कहते हैं कुछ लोग, इसे रंग भी देता रखा है इसका, हरा नीला काला, इसे बकवास बातें कुछ नहीं है, कलगी हो इसके सिर पर, मैंने नोट्स पर सब लिख रखा है, पढ़ो भाई पढ़ो, कोई फायदा नहीं है इसका, पढ़ो आ जाओ राज्य पशु पर, पढ़ते रहो सर नोट्स वाले को, पढ़ते रहिए, एक बार रीडिंग मान लेना इसकी, काम का नहीं है, जो काम का हो मैं बता के चल रहा हूँ, उसको फैक्ट को मैं ज़्यादा बल दे के चल रहा हूँ, राज्य पशु पा जाओ राज्य पशु पर, राज्य पशु देखो भारे यहाँ का क्या है, राज्य चौथे नंबर पर जाओ, राज्य पशु का नाम पता क्या है, कस्तूरी मर्ग। अच्छा कस्तूरी मर के बारे में एक बात फेमस है, ठीक, कस्तूरी मर पता लग गया ना, हिरण की प्रजाति है, समझ गए, जो हिरण समझ लो पढ़ लो, हिरण की प्रजाति ने 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाया, अब जो सबसे ज्यादा कस्तूरी मर्ग में कहाँ पाया जाए ये पूछा था, अब बताओ कहाँ जाया जा सबसे ज्यादा कस्तूरी मर्ग, उत्तराखंड में कहाँ पाया जा, पिथौरागढ़, 4-5 ऑप्शन दे रहा हूँ, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, याद रखिए बात, ठीक, अब जो कस्तूरी मर्ग है सुन लो, अच्छा जहाँ पाए जाएंगे वहीं संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा इनका, यहीं से इनका संरक्षण केंद्र ही बनाया गया, पहले थोड़ा सा पढ़ो उसके बारे में, इसका वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाएगा, ए इसका वैज्ञानिक नाम देख लो, सारा सुनूंगा मैं पीछे सारा, इसका वैज्ञानिक नाम देख लो, इसका वैज्ञानिक नाम पता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसो गास्टर, ये ना काइसो गास्टर, इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसो गास्टर, हिमालय का मास्क डियर के नाम से जाने जा सकते, ठीक है, अगर तुम्हें इसकी विशेषताएं पढ़नी
कब कब क्या हो रहा, दिक्कत पता क्या हो रही, कस्तूरी मर के साथ यही प्रॉब्लम, जो इसकी आंत हो ना, उसमें जो पित्त की थैली हो उसमें एक प्रकार का केमिकल भरा हुआ हो, अब वो केमिकल निकाले उसे कैंसर के इलाज में यूज़ कर रहे हैं, और जब से कैंसर के इलाज में यूज़ कर रहे हैं ना, दिक्कत खड़ी हो रही, इसे मार दिया जा पूरे बेचारे, ये मर जा, इसकी प्रजाति IUCN की ना रेड लिस्ट में चला गया, देखिए हाँ IUCN की रेड लिस्ट में चला गया है, जब IUCN की रेड लिस्ट में चला गया ना, समस्या खड़ी होगी इसके सामने, इसका मतलब इसे बचाना जरूरी है, इसीलिए हमें राज्य का पशु बनाना पड़ा हमें सर, ताकि हमसे बचा सकें, इसे स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकें, इसलिए इसे स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा सर। अब उत्तराखंड वाले पूजा करेंगे इसकी, समझेंगे बात, उत्तराखंड में मारते ओ ना इसने छेड़ दिया, क्यों राज्य का पशु, राज्य पशु घोषित कर दे, और का तुम्हारे पड़ोसी कुत्ते को राज्य पशु घोषित करते, सही बात है, देखे नहीं भी किस चीज़ बदतमीजे कुत्ते में, गाड़ी के पीछे भाग लेता एक सुबह मेरी, मैं एक्सरसाइज करके आ रहा, हाँ उसको अकेले नहीं है, 3 बार मैंने अपनी गाड़ी रोकी, इतना बदतमीज कुत्ता, अरे बार बार मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा हो, अच्छा पता ये कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागो तुम्हें पता, एक दूसरा कुत्ता उसको टॉयलेट कर दो, और टॉयलेट करके उसकी सुगंध बड़ी खतरनाक हो, उन्हें ऐसा महसूस हो इनके इलाके में दूसरा कुत्ता आएगा कोई, जब कभी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना टाइम लगाकर, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ, सुनो तो बचाना जरूरी है सर कस्तूरी मर्ग को, ए कस्तूरी मर्ग को बचाना जरूरी है, कौन बचाएगा सर, तुम अपने आप तो बचाया नहीं जा रहा, तुम बताओगे सर, हमने ना 1972 में, हेलो 1972 में यूपी की सरकार थी उस टाइम पर हमारे यहाँ से, ये यूपी की सरकार थी, यूपी की 1972 का समय चल रहा था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, ठीक, उन्होंने सोचा बचाना तो भाई जरूरी है सर, और जब बचाना जरूरी है चलो भाई एक काम कर लो, इसके लिए ना एक अलग ही स्थान बना दो, इसका अलग ही स्थान होगा विहार, एक अलग ही क्षेत्र बना दिया उस वन्य जीव विहार, वन में रहने वाले जीवों के लिए स्थान फिक्स कर देना, सही बात यार, उसे बोलते हैं वन्य जीव विहार, तो हमने बनाया कस्तूरी मर्ग विहार, कस्तूरी मर्ग विहार, विहार का मतलब क्या हो, स्थान, ऐसा स्थान जहाँ कस्तूरी मर्ग रहता हो, पता कितने किलोमीटर का एरिया घोषित कर दिया हमने, पता कितने किलोमीटर का एरिया, 1000 किलोमीटर के एरिया में हमने यूँ कह दिया कि इसमें कोई नहीं जाने का आज के बाद, ये एरिया पूरा इसके लिए, ये बड़ी अच्छी बात है, और जब जाने का नहीं इसमें कोई, कोई से मारने का नहीं, और मारने का नहीं, इनकी जनसंख्या बची रहेगी, सही बात नहीं है, पता लग चुका है, और यही पूछा जाओ कस्तूरी मर्ग विहार ये कहाँ सी, पिथौरागढ़ में, कस्तूरी मर्ग वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में ही ना, हाँ पिथौरागढ़ में ही है, सही बात है, तो कस्तूरी केदारनाथ के पास है ना, केदारनाथ वन्य जीव विभाग के अंतर्गत चमोली में, अच्छा चमोली में, सॉरी चमोली के अंदर मौजूद है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे चलो, उसके बाद 1986 में जाओ, ये पूछे जा रहे यहाँ तक सवाल से, मैं ज़्यादा टच कर रहा हूँ, 1986 में जाओ, 1986 के अंदर ना, 1986 के अंदर इसे पशु बचाने के लिए ये बनाया अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट, हाँ ये नाम रट लो बिल्कुल, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव मतलब ये बात आई गई नहीं है वन्य जीव अभ्यारण्य पर, तो बात रुकने वाले तो यहाँ है नहीं, घुमाएंगे 360 आज, ठीक, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, क्या इसका संरक्षण जरूरी था, क्यों जरूरी, घंटा, क्या हम अपनी जैव विविधता को बचाना, जैव विविधता को बचाने का कितनी चीजों को बचाना, पौधों को और जंतुओं को बचाना जरूरी नहीं, अच्छा ये बताओ सबसे पहली बार पौधों को और जंतुओं को यानी जैव विविधता को बचाने के लिए सबसे पहली बार एक कन्वेंशन हुआ था देश में, कब हुआ था वो, जैव विविधता को बचाने के लिए सबसे पहली बार देश के अंदर कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, हाँ 1992 रियो डी जी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहां 3 सम्मेलन हुए थे, एक जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, और एक हुआ था हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, और एक मरुस्थलीकरण से संबंधित हुआ था, मतलब यार कुछ भी भूल जाओ तुम यार, ये भूलने वाली चीज है, चलो ये वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो एक वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, कस्तूरी मर्ग के लिए, पूरे भारत के अंदर टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं,
और उस दिन में तुम्हें भूगोल पढ़ा रहा था ना, भूगोल के अंदर भी मैंने जो यूपीएससी का पढ़ा रहा था तब भी यह बात बताई थी, वन्य जीव अभयारण्य कितने, तो आंसर होगा 573, 500 इससे ज्यादा। ये आंकड़ा 3 अप्रैल 2024 के आसपास तक का आंकड़ा है। और जो नए नए जोड़े गए ना भाई साहब, सर्च करके लिख लेना पेपर में, वही है वो जो एक एक डेढ़ साल के अंदर ही जोड़े गए, बस एक साल के अंदर 5-6 महीने पहले जोड़े गए, उन्हीं के नाम पूछा, देखो पूछे कौन से राज्य में मैच करने को पूछेगा तुमसे और वहाँ की क्या विशेषता, एक दो बस, तो यही हो पढ़ना करंट अफेयर पढ़ने का तरीका, पता लग चुका। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कब बनाया गया, टोटल वन्य जीव अभयारण्य कितने, 573। हमारे देश के अंदर नेशनल पार्क कितने, नेशनल पार्क 106 कौन सा, मतलब कुछ भी यार 106 नहीं बता तुम क्या करोगे तुम, मतलब अच्छा एक काम करना आज कमेंट में बता देना जाकर, ठीक ऐसा कर देना, ये सही है। और लास्ट के भी बता देना मुझे, तीन लास्ट के भी बता देना कौन कौन से जोड़े, 573 जोड़े, पहले 564 थे अब 573 हो गए, ये भी मुझे बताने तुम्हारे, दो काम है तुम्हारे आज, एक तो वन्य जीव अभयारण्य जो लास्ट के जोड़े गए ये बताने, एक ये बताना कि जो नेशनल पार्क है वो कौन सा जोड़ा गया, 106वां नेशनल पार्क कौन सा, 105वां कौन सा, 104वां कौन सा, सभी। उसके बाद चलो एक बात और बता दो, हमारे यहाँ ना बायोस्फीयर रिजर्व कितने, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ 18। अब मैं आज तुम्हें कह दे रहा हूँ 18 के 18 रट्टा मान लेना, कौन कौन सा कहाँ स्थित है, कौन कौन सी नदी किस किस तैयारी, पक्का 100% सवाल है। अब बच्चा छोड़ छोड़ गा वैसे तू चाप जाकर अच्छे तरीके तक। अब मैं क्या करूँगा ना, नोट्स का इनका PDF दे देना मुझे आज, इसका भी और इसका भी, जो खास खास होंगे ठीक, वो मैं बच्चों को शेयर कर दूंगा, उन्हें हेल्प मिल जाएगी, समझ बात या, इसका भी दे देना, इसका भी दे देना, सारा पढ़ा रखा होगा, बता रखा होगा मैंने, है ना, इनका तो होगा PDF, इनका भी भेज देना मुझे आज, और इनको पता होना चाहिए तुम कल को 18 के 18 का नेशनल पार्क जो खास खास जोड़े गए, सारे नहीं पढ़ने हैं मेरे, 106 के 106 याद थे, मैंने बताया था तुम्हें पहले ही, 106 के 106 पढ़ रखे थे मैंने, लेकिन पता क्या हो उससे फिर नंबर नहीं आता, यही तो मुरक्ता भरा काम हो, मतलब तुम गलती करो, मैं पहले घर का आया इसलिए तुम ना करो। 573 हाँ, 5-7-10 याद होने चाहिए, फेमस होगा, 573 कभी मत पढ़ना, तो पूरी जिंदगी से पढ़ते रह जाओगे, नहीं जो खास खास बाद में जोड़े गए, 18-22 पे रिजर्व याद होने चाहिए सारे, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित अच्छे तो बताओ कौन सा, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कह दो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कह दो, एक ही मतलब है, सही बात, बायोस्फीयर रिजर्व कहो या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहो, ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, समझ बात, वहाँ मैंने सब बता रखा है। एक अच्छा, एक तो वन्य जीव अभयारण्य हो, एक नेशनल पार्क हो, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो, तीनों में अंतर क्या हो है कोई बतागा, वन्य जीव अभयारण्य हुआ एक तो नेशनल पार्क हुआ, एक हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों में अंतर क्या हो, बस ये बात मैंने पहले बताई थी, नहीं नाम ही छिपा हुआ ना, वन्य जीव अभयारण्य वो किसी वन के लिए होगा, वन्य जीव के लिए होगा, वो किसी जीव के लिए होगा, और जो नेशनल पार्क है ना वो जरूर नहीं है किसी जीव के, किसी वो दोनों के लिए हो सकता, सही बात यार। उसके बाद ना बायोस्फीयर रिजर्व ये बड़ा आरक्षित क्षेत्र हो, इसमें सब समाज नेशनल पार्क, कई सारे नेशनल पार्क हो सके इसमें, कई सारे वन्य जीव अभयारण्य भी हो सके इसमें, समझना ही बात यार। और भी इनके अंदर रिटेक्शन लगे हुए हो, जैसे नेशनल पार्क, क्या नेशनल पार्क को तुम अपना घर बना सकते हो, क्या नेशनल पार्क में जाकर कृषि कर सकते हो तुम, बेटे सवाल पूछ लेना कैसे, याद रखियो बात यार, ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी पहले ही। आजकल ये जीव मंडल क्षेत्र हो, इसमें तुम एक संक्रमण क्षेत्र हो, उसमें तो संक्रमण क्षेत्र में तुम वैज्ञानिक गतिविधियाँ कर सकते हो, देख खोपड़ी घूम गई नहीं कि यूट्यूब वाला देख रहा होगा ना उसकी खोपड़ी घूम जाएगी, सही नहीं, ये क्या पूछ रहा मास्टर, बेटे सवाल ऐसी जाओ, ये क्या पूछ रहा मास्टर, इसका तो लेवल हाई होगा, इसका लेवल नहीं है, जब पेपर देखोगे तो जुड़ जा, तो जो भाई कहा था आया पेपर ना नया, वो मास्टर से ही कह रहा था, समझ गए, पता लग चुका, दोबारा फिर रिविजन करवा रहा हूँ सारा, दोबारा फिर रिविजन करवा रहा हूँ, मकसद एक ही याद करवाना, चाहे एक क्लास की दो लग जाओ, और जब तक याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, आओ दोबारा फिर जाओ। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा पढ़ रहे, उत्तराखंड जो गणतंत्र का कौन सा राज्य बना 27वां, पर्वतीय राज्यों में 11वां होगा, जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर है, 20वें नंबर पर, नहीं मैंने पहले ही कहा था उड़ा दूंगा तुम्हें, अभी सोच रहे होंगे कि दूसरा और कुछ ना पूछ ले पीछे थे। उत्तराखंड कब बना, उत्तराखंड 9 नवंबर
किसी का भी स्टेटस देखो 9 नवंबर को, उत्तराखंड की बधाई हो, फलाना हो, ऐसा लगे जैसे आज ही पैदा हुआ है। सही बात है, ऐसा लगा रखो 9 नवंबर को सब। उसके बाद 1 जनवरी 2007 जन्म, इसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, बधाई हो उत्तराचंद उत्तरांचल, तो इसका नाम बदलकर उत्तराखंड होगा। हमारे देश में तो नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत साधारण सी हो चुकी है, किसी भी चीज़ का नाम बदल लिया जा, इंडिया का नाम भारत तो रखा जा रहा। सही है गलत है? तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितने बंदे सही कह रहे हैं, कितने गलत कह रहे हैं? सही है गलत है? सदगुरु भी कह रहे, यूट्यूब वाले सदगुरु यू कह रहे, इंडिया का नाम ना इंडिया हटा के भारत कर देना चाहिए। इसे राजनीतिकरण कहना, इसे तो बोलते राजनीतिकरण। समस्या ना देश के अंदर, यहाँ पॉलिटिक्स, सॉरी काम नहीं हो रहा भाई, काम नहीं हो रहा है। युवा परेशान पड़ा हुआ बेचारा, उसकी कहानी खराब, डबल डबल पेपर लीक देश के अंदर, डबल डबल। मैं तो UGC नेट देख आया, मैंने सोचा मेरा तो GRF हो गया, वाओ 53-54-55 हज़ार रुपये आराम से मिलेंगे। घर आया, मेरी पहले एक आंसा थी, पूर्ण रूप से विश्वास था, मैंने कहा भ्रष्ट है, गया है NTA। देखा क्या सच में, अगले दिन आया सुबह को उठा सोग, देखा क्या यार मेरे तो 55 हज़ार चले गए, मैंने तो 55 हज़ार आ ही जाते। सही बात है, इकोनॉमिक्स से नेट क्लियर हो रहा था अच्छा खासा पूरा, तो बोला जी यार होता यार। चलो इधर देखो, भ्रम उत्तराखंड का राज्य पता लग चुका, भ्रम कवल कौन सा कुल, SC ST कुल का पौधा। उसके बाद लोकल कम्युनिटी किसे क्या, राज्य पशु पता लग चुका, राज्य पक्षी, वैज्ञानिक नाम मोनाल का क्या नाम, कुछ लोग इसे मनियाल भी कहते हैं, मनियाल भी कहते हैं, नोट्स में सब लिखा हुआ। राज्य पशु पता लग चुका, कस्तूरी मरु पर संकट छारा, सच में 1900 इसका वैज्ञानिक नाम बताओ, मास्कस पाइसोपास का, याद रहेगी बात या? इसे बचाने का प्रयास करा गया, यूपी की सरकार थी उस टाइम पर, बनाया गया था कस्तूरी मरु विहार चमोली के अंदर, याद एक को पूछा था कस्तूरी मरु विहार कहाँ से, चमोली के अंदर 1000 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया घोषित कर देगा, इसमें कोई नहीं आने का विचार, इसके लिए ही सिर्फ उसी का आवास है, उसका हैबिटेट है। समझ में आया बात या? अभी कुछ दिन पहले पता क्या हुआ, कुछ हाथी बेचैल में घुस गए, कुछ हाथी बेचैल में घुस गए अंदर, उन्होंने पूरा तहलका मचा रखा वहाँ से। दिक्कत पता क्या है, हाथी नहीं बेचैल में घुसे, बेचैल ही हाथी के स्थान पर आएगा, उनका हैबिटेट उनका आवास नष्ट कर दिया लोगों ने। समझ में आई बात या? वही उनके स्थान पर आया। हमारे गाँवों के एक दिन हिरण जा रहा था भागा हुआ, हिरण बीचों बीच में हिरण जा रहा था, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, बच्चे बता रहे थे मुझे, अब कुछ दिन पहले की बात है। पता क्या हुआ, वो अपना हैबिटेट भूल चुका, उसका आवास था वो, यहाँ यहाँ तेजी के साथ अर्बनाइजेशन हुआ ना, अब करेंगे क्या, तो नुकसान पहुँचाया हमारी जैव विविधता को बड़े स्केल पर इस नगरीकरण ने, अब उन्हें रहना बड़ा मुश्किल हो रहा, बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही, और इसका ही नतीजा तुम भुगतना पड़ेगा कि जो इतनी गर्मी हो रही है, जो पेड़ काट दिया गया लोगों ने, समझ गए? ये पढ़ाने का मकसद ही यही है तुम, ताकि तुम अवेयर हो सको, तुम इसका मतलब कुछ और समझो, तुम समझो पेपर पास कर रहे हो, पेपर पास करने के लिए पहले फी आना पड़ा, फी नहीं है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट यहाँ आ चुके, आगे चलो 1986 में स्कोट वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया, अजय मैं वन्यजीव अभयारण्य बताया तो टोटल 573 वन्यजीव अभयारण्य, लास्ट में लेटेस्ट कौन से जुड़े गए मुझे बताना पड़ेगा, तुम ही बताओगे मुझे, नहीं बताओगे खाली उतारूंगा। टोटल नेशनल पार्क कितने, 106, लास्ट के जो 3 या 4 जोड़े गए, 3 लास्ट के, 2 बता देना तुम मुझे, लास्ट 104 105 106 बता देना कि कहाँ से है वो और उसकी क्या विशेषता। उसके बाद तुम बताओगे बायोस्फीयर रिजर्व, लास्ट के जो 4 ऐसे ही बताओ, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें से ऐसे कितने जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल है, वे हैं 12, कितने 12, तो तुम्हें भी पता कर गए ऐसे कौन से जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व मत वे बताने, तुम मुझे बता दोगे? ठीक, नेक्स्ट आगे चलो, उसके बाद आ जाओ राज्य वृक्ष पर, किस पर जाओ, राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष, अब बताओ राज्य वृक्ष कौन सा हमारे पास, ब्रांस, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका इसका वनस्पति का नाम लिखा हुआ, वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ ना, लिखा हुआ रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन, हमें सुनने वाला हो रहा है, सारा सुनने वाला हो रहा है, रोडोडेंड्रोन, याद रहेगी बात या? फरवरी, हाँ इसका यू पूछ ले कब हो गए हो,
फरवरी, फरवरी से लेकर अप्रैल तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। इसकी ऊंचाई हो वृक्ष की 20 से 25 फीट तक का ऊंचा वृक्ष हो, 20 से 25 फीट ऊंचाई हो उसकी वृक्ष की, ठीक। ऐसा फूल हो उसका, देखो ब्रांस का, बस और नहीं कुछ पढ़ना इसके बारे में। तो राज्य ब्रांस हो गया, फरवरी से लेकर अप्रैल के आसपास हो गया। अच्छा फरवरी से लेकर आसपास, फरवरी जब यहाँ बात आई गई फरवरी मार्च की। अच्छा बताओ एक और बता था मैंने तुम्हें, राज्य पुष्प ये कब होगा, ये कब पैदा होगी, इसकी पैदावार होगी जुलाई से लेकर, हमें कुछ और पूछना चाह रहा है। यही तो 360 है, ये 360 है। यहाँ मेरी तीन चीज़ याद आ गई, बार बार पूछे ना पेपर में। एक तो हो हमारी तीन फसलें हो, एक रदी की फसल हो, एक खरीद की फसल हो, एक जायद की फसल हो। अब कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीद की और कौन सी जायद की फसल है? पहले रबी की फसल देखो कौन सी हो, जो रबी की फसल हो ना, रबी की फसल बताओ कब बोई जा रबी की फसल, रबी रबी जब भी मैंने मना नाम रबी तो दिलों दिमाग गेहूं, शक गेहूं, गेहूं तो भाई जितना तो अंदाजा लगा सको, अप्रैल के आसपास गेहूं कटा, अप्रैल और मई के आसपास गेहूं कटा, अप्रैल के महीने में। तो इसका मतलब है फिर बोई पीछे जाते होंगे, तो रबी की जो फसल है ना गेहूं, और जो रबी की फसल है बोई जाएगी हमेशा, रबी की जो फसल होगी वह बोई जाएगी हमेशा, पता कब वह बोई जाएगी हमेशा, अक्टूबर और नवंबर के आसपास जब ठंड का मौसम होगा। जो रबी रबी की फसल होगी वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और काट ली जाएगी मार्च अप्रैल में, याद रहेगी बात है कि किसकी फसल है, रबी की। अब रबी की फसल के ऐसे उदाहरण और बताने, तो वो पाँच उदाहरण मुझे, हाँ बस गेहूं 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 होगा, मक्का तो अब बोया जा रहा है। एक तो रबी की हो गया, खरीफ की, फिर खरीफ की बता फसल कब बोई जा, बताओ कब बोई जा, मार्च अप्रैल के आसपास बोई जाएगी, अप्रैल या मई के आसपास बोई जाएगी, और फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास काट ली जाएगी, अक्टूबर के आसपास काट ली जाएगी। तो ये बताओ कौन सी फसल हो, ये हो खरीफ की फसल, रबी की और खरीफ की फसल दो होगी, एक हो जायद की फसल जो दो तीन महीने में तैयार हो जाए, जनवरी के आसपास बोई जाएगी, जनवरी फरवरी में बोई जाएगी, और वो फिर जून मई जून तक काट ली जाएगी, मई जून तक खीरे हो गए, ककड़ी होगी, जो पलेज लगाई जाए पूरी पूरी, लौकी तोरी वगैरह वगैरह, ठीक। अब मैं तुमसे सवाल ये नहीं पूछता ना, बड़ा बदतमीज है, सवाल नहीं पूछता नहीं ना, बच्चा क्या करे, तो ये तो पता लग चुका था, रबी फसल कौन थी, खरीद की कौन थी, और जायद की फसल कौन थी। जो जायद की फसल हो ना, हरी सब्जी जो ज़्यादा जो उगाई जा रही है, जो प्लेज में उगाई जा, ठीक, जैसे खीरे होंगे, ककड़ी होगी, जायद की फसल है अधिकांश, जो हम सलाद में यूज़ करते हैं, समझ नहीं बात है, जब खाना खाते हैं ना शादी ब्याह में जाकर जो प्लेट पर रखा रहा हो भोजन, वो आदमी सोचिए मूली कहाँ जाएगी, इस टाइम तो मूली उगती उगती भी थी, उन्हें स्टोर में तो निकाल कर लेके जाया, कोल्ड स्टोर में तो वहाँ उन्हें ऐसे तापमान पर रखा जा, समझ नहीं बात है, तुम छोटे छोटे हो ना, ऐसे ऐसे विचार आ जाते दिमाग में कभी कभी। तो रबी की फसल कौन सी हो, खरीफ की कौन सी हो, और जायद की कौन सी हो, और कौन सी फसल किस मारी, सबके कम से कम 10-10 उदाहरण तुम्हारी जुबान पर अटन चाहिए कल को, समझ गए, 10-10 उदाहरण सबके जुबान पर अटन चाहिए, कल को आओगे ना यहाँ से तो पूछूंगा 10-10 उदाहरण बता इसके, तीनों के मुझे 10-10 उदाहरण चाहिए। कितने उदाहरण, जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो बताओ घर जाकर बताना, तिल कौन से उसमें होगा, रबी की, खरीफ की, और जायद की फसल, तिल, तिल नहीं खाएगा तुम ना, खरीफ की, ये लड़की बता रही खरीफ क्या हुआ, कुछ बता रहे रबी की फसल में हो, कुछ जायद की तुम्हारे जाना ही नहीं। चलो एक सवाल पूछता हूँ, मूंगफली कौन सी फसल में, रबी की, खरीफ की, या जायद की। चलो एक सवाल, मटर बताओ मटर कहाँ में आ गई, तुम कंफ्यूज हो गए, इसलिए तो कहा भाई जी ना 10-10 उदाहरण कॉपी पर लिख कर लेकर आना, समझ गए, कितना उदाहरण चाहिए मुझे, इतनी बात बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा अच्छा एक बात बताओ, इसे इसे लड़का नोट करना चाह रहेगा, ये तो है तुम्हारे कॉपी में, इसे क्या नोट करोगे, काम पता लग चुका तुम्हें, क्या क्या करके लेगा ना काम, आओ थोड़ा अब समझते हैं पॉलिटी को, पॉलिटिकल को समझते हैं, क्या कहना चाह रही पॉलिटी, भूल जाओ जो तुमने पढ़ रखा था अब तक, सब डरामा था वो,
देख लो अभियान अच्छे तरीके से, अब तुम्हारा नंबर लगने वाला। देख लो उत्तराखंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। देखो जब तुम भारतीय संविधान पढ़ोगे, भारतीय संविधान, मेरी इच्छा एक बार मैं जरूर पढ़ाऊँ कंपटीशन वालों को पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस। अब इसलिए मैं सोच रहा पूरा का पूरा भी 15-20 दिन में खत्म उड़ा दूँ, 5-5 दिन सबको दो सब्जेक्ट को, एक तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और एक से लेकर चलाना चाह रहा है, एक से लेकर 14-15 तारीख तक जीएस कोशिश करूँगा मैं, खास वही पढ़ाऊँगा कुछ आता नहीं रहता ना, जितना पन्ना भर भर कर दे दिया बच्चों को, बच्चा क्या कर रहा ओवरलोड हो जा रहा। एक बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बताया, क्यों कह रहा है मेरे टीचर ने मुझे 5 कापी भरवा रखी, अब 5 कापी भरवा रखी उत्तराखंड की, जब उत्तराखंड की 5 कापी भरवा रखी, मैंने कहा पूरी जिंदगी उत्तराखंड ही पढ़ा है, 4 साल तैयारी करते करते हो गए, कितना घातक हो सके किसी बच्चे के लिए सोच सकते तुम, मतलब मेरे जैसे बच्चे को मैं कभी नहीं पढ़ूंगा यार, कभी भी है ही नहीं वो बिल्कुल भी काम का। अभी मैं मार्केट में ना बुक उतारने वाला था, कम से कम 40-50 पन्नों की बुक उतारता सीधी, इससे फालतू नहीं है, 40-50 पन्नों की बस, दैट्स एनफ, इसके बाद नहीं है कुछ भी, इसके बाद खेल खत्म हो जाए सब। हाँ किसकी बात कर रहे थे अभी, इसकी बात उत्तराखंड भारतीय संविधान। तो उत्तराखंड का अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना तुम, तो पहले इससे भारतीय भी सवाल आओ, फिर वहाँ खोपड़ी खराब हो जा, कहना क्या चाह रहा है कोई नहीं समझाने का भाई, कुछ नहीं आया हो जो तुमने समझ रखा था, ध्यान से समझ लो जा। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान हो क्या है, पहले छोटा सा समझ लो, बता छोकरी भारतीय संविधान क्या हो, ध्यान तो अच्छी तरह बता दिए, कान पर खींच दूंगा नहीं तो पूरा समझा रखा, बता। संविधान एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज, जैसा दस्तावेज क्या वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज, वैधानिक प्रमाणित हो प्रमाणित और दस्तावेज हो दस्तावेज, मेरा वीडियो वो भी देख रहा है इंग्लिश मीडियम वाला, इसे बोलते हैं लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, तो लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट एक प्रकार का, जब लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है इसका मतलब क्या हो भाई जी, ये क्या बताना चाह रहे हैं आप, अरे भाई यो न एक प्रकार लीगल सर्टिफिकेट, आगे क्या बताई थी मैंने परिभाषा और आगे बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, ये हो संविधान, यह विधायक एक वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले तत्व लिखे होते हैं। इसका मतलब समझो क्या हो, इस देश के अंदर शासन कैसे चल रहा है, प्रशासन कैसे चल रहा है, वे सारी बात एक किताब के अंदर लिख दी गई, उसे ही हम भारत का संविधान कहते हैं, इसलिए इसे वैधानिक कहते हैं, इसे वैधानिकता प्राप्त होती है लीगली, पूरे देश के अंदर सबको मानना पड़ेगा, सबको मान्य है, जो कह रहा मैं भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखता तो भारत छोड़कर आदि चला जा, प्रमाणित है क्योंकि उस पर ना जब ये संविधान सभा के अंदर बनाया गया था 284 बंदों के हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए कह रहा प्रमाणित सर्टिफाइड। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने करे थे पता, किसने करे सबसे लास्ट में, जब संविधान बनाया जाता संविधान सभा में सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने करे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले हस्ताक्षर करे थे, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, सही बात, अच्छा ये याद कर रखा तुमने, ये लिखवा रखा मैंने, अच्छा जब संविधान सभा में डिबेट चल रही थी, तो इसीलिए प्रमाणित हो। और दस्तावेज, दस्तावेज क्या हो भाई जी, डॉक्यूमेंट क्या हो, दस्तावेज थोड़ा साइड में होगा बैठ, बार बार इधर हो, अभी सारे सवाल तेरे पूछूंगा, इनएक्टिव हो रही है, अभी भाई बेइज्जती कर दूंगा क्लास में, लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होगा, अब बताकर दस्तावेज क्या हो, दस्तावेज दो प्रकार के हो, एक औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, बता क्या हो, औपचारिक हो और अनौपचारिक क्या हो, तो एक तो लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन नीचे लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, समझ की बात है, एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज, इसमें क्या होता है, इस संविधान में क्या होता है, समझ लो 10-15 मिनट का ही काम है, 10-15 मिनट का, लेकिन कंसेप्ट ऐसा बैठ जा, फिर कहीं से जाकर कुछ भी पढ़ लो वही समझ बैठ, जो मैं बाहर से समझाऊँ ना वो बड़े काम की चीज़ है, वो नहीं मिलता कहीं भी, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया ना तो मैं पॉलिटी पढ़ाया, जो शुरू के मैंने 10 चैप्टर पढ़ा रखे हैं ना पॉलिटी के, मुकालता अगर तुम किसी बुक में ढूंढ कर दिखा दो, उसके लिए मैंने 50 बुक पढ़ी,
चार साल मुझे पोलिटी पढ़ते बीत गए थे, जब तक मैंने उसका गहराई अध्ययन, मैंने बताया ना मैंने संविधान सभा की भी पूरी बहस पढ़ी मैं, इतना डॉक्टर अम्बेडकर में इतना इंटरेस्ट था मुझे, मैं जानना चाहता था मैं क्या विचार रखते थे हमारे देश के प्रति, क्यों जोड़ा उन्होंने से। अब सोच लो कितना मैंने पढ़ाई करी होगी, ये भी तो मास्टर्स कर लिया पूरा पूरा पॉलिटिकल साइंस में, चलते 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 मास्टर्स ही होगा पूरा पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स होगा। सुन लो ध्यान लगाकर, लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होगा जी। अच्छा भाई जी वो बताओ ना जो पेपर मांगा, अरे आ रहे हैं ये वहीं आ रहे हैं, इसके बिना काम नहीं चलने का। अच्छा इसमें क्या हो, वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है इसमें ना, देश जो हमारा देश, ये देश हमारा, इस किताब में भारत के संविधान की जो किताब है या किताब है या भारत के संविधान की जो किताब है जिससे राहुल गांधी ठग घूम जा रहे हो, इस किताब ने इस बार मोदी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसका मुद्दा ने छेड़ दिया, जिन्हें छेड़ दिया ना वो देश के अंदर माला माल होगा, उसे गरीबी बना दो। एक बार तुम संविधान के अंदर, तुम नेता हो संविधान की बुराई कर दो, तुम धरातल पर ला दागा हो, सही बात यार। और राहुल गांधी ने क्या केमिस्ट्री खेल ली, उठाकर किताब को हाथ में लेकर रखा है चुपचाप, और जो दलित वर्ग था, वंचित वर्ग था, ओबीसी वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करा, उसके दिमाग में डाल दिया कि मोदी जी आएंगे तो संविधान को प्रभावित कर देंगे, तबाह कर देंगे, बस उनके दिमाग में बैठ गया यूपी वालों के, और यूपी वालों ने मोदी को बाहर निकाल दिया। मोदी जी बाल बाल बचे, नहीं तो गुजरात वहाँ तो बनारस तो बाहर निकाल देते, सही बात यार। ये सारा खेल किसका भाई, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि हो, उससे बड़ा कोई कानून नहीं होता, सही बात यार। दैट इज द सुप्रीमेसी लॉ, सुप्रीमेसी लॉ सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून, किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून हो, इससे बड़ा कोई कानून नहीं होता। अगर किसी बात को बतौर संविधान में लिखा हुआ उससे ज्यादा वरीयता दी जाए, हमेशा उसे टच करता भी डरेगा कोई, समझ में आई बात यार। ऐसी चीज है, इसीलिए क्या है वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज हो, इसी के आधार पर पूरा देश के अंदर शासन प्रशासन चल रहा है। शासन कैसे चलेगा, पुलिस कैसे काम करेगी, न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी, वो हर चीज़ इसके अंदर समाहित है, सारा इंक्लूड है इसके अंदर ही। समझ लो भी 10 मिनट लूँगा बस, ताकि तुम्हारा बेस बैठ जाए, ये तुम्हारा जीएस में भी काम आएगा दोबारा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया। अच्छा देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले तत्व निहित होते हैं। अरे भाई इसमें लिखे होते हैं निहित होते हैं, देश कैसे चलगा हो यार, ये प्रधानमंत्री कैसे काम करेगी यार, राष्ट्रपति का क्या काम है यहाँ से हो यार, ये प्रधान क्या कर रहा है यहाँ से हो यार, ये जिला पंचायत क्या कर रहा है यहाँ से हो, मतलब ये नगर पालिका पार्षद, ये पार्षद कर क्या रहा है यहाँ से यार, ये मेयर क्या काम कर रहा है यहाँ से। संविधान में सब बेटा, सब संविधान कितना क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने, अम्बेडकर को ना सुबह को उठो और समझ ही बात यार, छोड़ दो भगवान को भी, सुबह को उठो और आराम से प्रणाम करो जितनी भी महिलाएं हो तुम, नहीं तो डूब मरो जाकर, जितना तुम अधिकार अम्बेडकर ने दिया ना इतना ये सबको देने में भी कई साल लग जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पढ़ लो जाकर पीछे बहुत सारे कानून, बहुत सारे लोग, LLB में मुझे पढ़ने का मौका मिला इसलिए बता रहा हूँ, समझ बात यार, मुझे पढ़ने का मौका मिला इसलिए बता रहा हूँ। तो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले सारे तत्व इसी किताब के अंदर, यो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही बात है, यही भारत का संविधान, सारी बातें लिखी हुई इसके अंदर, शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा, वे तत्व, वे प्रोविजन, वे प्रावधान इसमें ही नहीं है तो इसमें ही लिखे हुए, चलो तो संविधान होगा। अच्छा भाई जी संविधान की बात है, तो संविधान की बात, जब संविधान को बनाया गया, संविधान की भाई जी जब आप बता ही रहे तो थोड़ा थोड़ा संविधान के बारे में थोड़ा शुरू से लेकर चलो। अच्छा पहली बार भाई जी संविधान की बात किसके दिमाग में आई थी भाई जी, ये तो बता दो, संविधान की बात सबसे पहली बार किसके दिमाग में आई थी। देखो दिमाग में आना अलग बात हो और बयां करना अलग बात हो, दिमाग में तो थारे पता नहीं क्या क्या हो, ठीक है, दिमाग में तुम्हारे पता नहीं क्या क्या हो, तो दिमाग में आना अलग बात हो, बयां पहली बार 1921 में महात्मा गांधी ने बात करी थी, ठीक है, तो बात करना अलग बात करी नहीं, लेकिन बतौर जो पेश रखा MN रॉय जिसका नाम पहली बार जिन्होंने कहा था, जब हम हमारा देश गुलाम था, समय बात है, हम जंजीरों में जकड़े हुए थे अंग्रेजों के, तब पहली बार अगर किसी बंदे ने नाम रखा कि कहा अंग्रेजों के सामने 1934 में पहली बार 1934 में सवाल पूछा हुआ, याद रखना बात या 1934 में पहली बार कहा मानवेंद्र नाथ रॉय, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अम्बेडकर की टक्कर तो है तेरी, लेकिन हाँ ठीक ठाक था उनका भी लेवल, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सही बात है, MN रॉय, ठीक, ये MN रॉय, ये MN रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने पहली बार यूँ कहा था अंग्रेजों को नहीं कि भारत की भी अंदर भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, अभी बस कहा, लेकिन 1935 का जब
अधिनियम बनाया गया उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं आता। अंग्रेजों ने एक चार्टर एक्ट, एक कानून बना के भेजा, उसमें संविधान सभा का कहीं जिक्र नहीं करा। इतने कमीन इंसान थे अंग्रेज, समझ गए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पढ़ लो, समझ। आदि ने सोचा जो पॉलिटी का उत्तराखंड की पॉलिटी देख रहे होंगे, मास्टर कहाँ घुस गया बेटे, क्लास का नाम 360 डिग्री। क्या है आ रहे भी वहीं आ रहे हैं, जो तुम्हारा जो दर्द काट रहा होगा ना उनको काट रहा होगा दर्द, पता किसका, जो परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, ये जो परीक्षा वाणी के लगते ना ये, वो जब सवाल आवा ना बोई उनसे, ये दो सवाल तो भारत आए थे, तीन सवाल तो, ये तो कहीं भी नहीं आया, ये तो कोई भी नहीं करना, सब छोड़ का होगा, सही बात है, सब छोड़ का होगा, अभी आ जाओ वहीं आ रहे हैं। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा, पता क्या कहा, यूँ कहा कि तुम संविधान सभा, हम अपनी संविधान सभा बनानी चाहिए। अंग्रेजों ने ध्यान देने का नहीं, तो वैसे ही बोलता रहा बीमारी से। तो अच्छा यह बात है, 1935 का अधिनियम आया, 1935 के अधिनियम में इस बात को साफ साफ बिल्कुल भी लिखा गया कि एक भारत की संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं जब वक्त बदलता है ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होगा। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, 39 से लेकर 45 तक अंग्रेजों की हालत खराब होगी। इस बार सैनिक नहीं आया उनके पास, बार बार भारत वालों के सामने हाथ पैसारो, पता क्या है, ओ भाई जैसे तुमने हमारा पहले वाले उसमें ना, पहले वाला जो विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 18 तक, जैसे तुमने हमारा साथ दिया था, इस बार हमारा साथ दे दो। इस बार भारत के लोग बलवान, महात्मा गांधी के हाथ तो में बागडोर थी उस टाइम पर देश की, सही बात है। महात्मा गांधी जो कहते थे कांग्रेस में वही होता था, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, महात्मा गांधी जो कहते थे उसका नेतृत्व वही करते थे मुख्य रूप से, जो वे कहते थे ना वही होता था उस पार्टी के अंदर। तो महात्मा गांधी ने कहा ना ना, एक बार तुमने विश्वासघात करा हमारे साथ, इस बार नहीं, तुम हमारे अपने पास आने देने के। 1939 के बाद 1940 में अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, उसका नाम है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। जब अगस्त प्रस्ताव आया, यह आया 1940 में, पता क्या हुआ, जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आने के बावजूद आया, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने, एक काम करो भाई, भारत के लोगों से बात करी उन्होंने, जब भी भारत के लोगों से मैं क्या ना बात करी, इसका मतलब कांग्रेस से बात करी, और कांग्रेस से बात करी मतलब महात्मा गांधी से बात करी, क्योंकि मैं उसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे कांग्रेस के, और यूनिया की बस कांग्रेस से ही बात करेंगे। मुस्लिम लीग भी है थी उस टाइम पे, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, इस टाइम पर वहाँ दलित वर्ग के नेतृत्वकर्ता भी है थे, वे भी है थे। तो बहुत सारे वर्गों के सामने पता क्या रखा, ये अगस्त प्रस्ताव रखा, अगस्त प्रस्ताव रखा, पता क्या कहा, यू कहा एक काम करो, तुम हमारा साथ दे दो, हमारे पास सैनिक नहीं है बिल्कुल भी, हमारे सारे सैनिक मरते चले जा रहे, प्लीज़ हमारा साथ तो दे दो। तो इन्होंने ना जो अंग्रेज थे ऐसा करके उसने कहा क्यों दे दो तुम्हारा साथ, कि तुम ना अपनी संविधान सभा बना लेना, अपनी संविधान सभा बना लेना, और संविधान सभा पता कब बनाना, संविधान सभा बना लेना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो मान गए चलो भाई भारत की संविधान सभा होगी, लेकिन संविधान सभा तब बनना है ना जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। अब दूसरा विश्व युद्ध क्या था, खत्म होगा का नहीं होगा, एक तो इन्होंने पहले भी कहा था 1914 से लेकर 18 तक, लेकिन कराने उन्होंने ये बड़े बदतमीजे कमीने महात्मा गांधी ने मना कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऐसा कमेंट करा है, यू गाई यो प्रस्ताव यो इतना ही पुराना हो चुका है जितना किसी दरवाजे की ठुकी हुई कील हो जा पुरानी, ऐसे ऐसे कमेंट करे इस अगस्त प्रस्ताव को, ये होगा खारिज, इसमें कुछ नहीं है, ये होगा टाइम टाइम फीस होगा, सन पूछा जा बस अगस्त प्रस्ताव को, हल्का हल्का फीलिंग भी आई होगी। फिर अंग्रेजों ने लालच देने के लिए ताकि भारत के लोग उनका साथ दे दे, ठीक। फिर उसके बाद आया अगस्त 1942 को आया क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन आएंगे, मैंने तो वहाँ पूछा था पीएचडी वाले इंटरव्यू में, जब मैं क्लास में एडमिशन ले रहा था ना, तो मैंने तो पूछा था क्रिप्स मिशन ना उसके साथ साथ कौन से सदस्य आए थे, अंदर से पूछा थोड़ा डेप्थ में जाएगा, देख रहा था कुछ आवे भी नहीं है उस पर, मैंने कहा क्या पूछ रहा, बच्चों वाली चीज़ पूछा, कुछ ढंग का पूछ, ढंग का अच्छा लगा, चलो सुन लो ध्यान लगा का। 8 अगस्त 1942 को ना फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव की मंशा समझिए ना तुम, भारत के लोगों को ना लालच देंगे, ओ हमारा साथ दे दो, लेकिन देने के नहीं साथ इस बार, क्यों नहीं देने के, पहले धोखा मिल रखा है ना, धोखा कब मिला था 1918 में, जब 1918 में धोखा मिला था ना, अंग्रेज काला कानून ले आए थे, सही बात, महात्मा गांधी ने ना भर भर कर इनका साथ दिया, पहले विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 18 तक, महात्मा गांधी ने कहा मैं भर्ती करने वाला एजेंट हूँ, समझना ही बात है, अंग्रेजों की तरफ से हूँ, अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा, बाद में जाकर महात्मा गांधी को धोखा दिया, उन्होंने काला कानून पारित कर दिया, रोलक एक्ट एक प्रकार का ऐसा एक्ट था, अगर किसी पर शक भी हो रहा है ना, ऐसा कानून बना के रख दिया, किसी पर शक भी हो रहा है ना, उस ठांगे सीधा जेल में डाल देंगे, भाई ये कौन सा कानून बना रहे हो तुम,
लोगों को पता क्या लग रहा था 1914 में, चलो दूसरा पहले युद्ध खत्म हो गया, अंग्रेजों ने कहा था आजाद करेंगे, आजादी देंगे, आजादी देंगे, आजादी के नाम पर ठेकरा पकड़ा दिया, इसे क्या झुंझुना पकड़ा दिया। क्रिप्स मिशन आ गया, क्रिप्स मिशन ने पता क्या कहा, चलो तुम अपनी संविधान सभा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसमें कुछ लोग तो भारतीय होंगे और कुछ लोग पता कैसे होंगे, कुछ अंग्रेज होंगे। महात्मा गांधी का दिमाग फिर से अटक गया, क्यों कह रहे, अब महात्मा गांधी बहुत परेशान होंगे, क्यों कह रहे इस बार क्या तो करो या मरो, अंग्रेज तुम मुझे नहीं बता दो इस टाइम भारत कब छोड़ रहे हो, अभी महात्मा गांधी का लास्ट आंदोलन स्टार्ट हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। हम महात्मा गांधी ने ना लोगों को लगा महात्मा गांधी दिख हिंसा की बात कर रहे, वायलेंस की बात कर रहे, फिर देश के अंदर जो पंगे हुए वही देखने लायक थे। सही बात यार, इतना बहुत हाहाकार मचा देश के अंदर, बहुत मार काटी, 50,000 लोग मारे गए। अब देखो किसी देश के अंदर 50,000 लोग एक साथ मारे जा तो कितना बुरा हाल हो जाए कुछ। ये तो सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझ, जब दूसरी किताब पढ़ते हैं तब पता लगता है ये बात, 50,000 लोग मारे गए। लेकिन एक जब किताब हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा था मैं 2019 में, जब हिस्ट्री पढ़ रहा था दबाकर, तो मैंने किताब पढ़ी थी, वहाँ लिखा हुआ था एक इतिहासकार ने, क्योंकि मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, उनकी ज़्यादा अच्छी किताब हो। सही बात है, के एस मेहता करके कोई किताब है, उसमें लिखा हुआ था 50,000 लोग नहीं मारे गए थे, देश के अंदर 5,00,000 लोग मारे गए थे। अब सोचो कितना खतरनाक तरीके से हिंसा फैली होगी, और अंग्रेजों ने इतनी लूटपाट मचाई थी 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार का हिंसक हो गया था। तो फिर महात्मा गांधी ने अमरानंदसन कर दिया था, अमरानंदसन पता जानते हो भूखा रहना शुरू कर दिया था, फिर जनता था कि उनके प्रति सिंपैथी क्रिएट होगा, समझना की बात है, यह हालत थी। 8 अगस्त 1942 भी आ गया, हिस्ट्री भी पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, कहीं भी घुस जाओ जाके काम आगे सारे हैं, पेपर तो देने जाना तुम, ये किन्ना बता सीधा कि पॉलिटी पढ़ोगे पूरे वहीं पर वहीं सवाल आ गए तो पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है इसे पढ़ लो पहले, याद हो रहा है, रिविजन हो रहा है। 8 अगस्त 1942 क्रिप्स मिशन हुआ, क्रिप्स मिशन जब आया ना क्रिप्स मिशन, तो उसमें ना यूँ कहा गया तुम अपना संविधान बना सकते हो, उसके लिए एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी, उसमें कुछ लोग भारतीय होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अंग्रेज होंगे। इसी बात पर दिमाग खराब होगा महात्मा गांधी का और जो दूसरे अन्य सदस्य दल थे, यहाँ से कांग्रेस पार्टी तो आई, अन्य दल मुस्लिम लीग, मुस्लिम लोग तो पहले थी 1940 थी, उन्होंने मांग कर दी थी, हम तो पाकिस्तान बनाना चाह रहे, हम तो एक अलग देश बनाना चाह रहे, अलग देश बनाना चाह रहे, समझ गए। उसके बाद फिर चलो भाई हिंसा होगी, बहुत सारे नेता हुए, महात्मा गांधी को उठाएगा जेल में, जितने बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे ना सबको उठाएगा जेल में डाल दिया था सबको, क्योंकि उस टाइम पर एक ही पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, सबको जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को जेल में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को जेल में रखा गया, इनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया ताकि कोई बोल ना सके। फिर उसके बाद पता क्या हुआ, 1945 में इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए, इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए, जब इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए ना, तो वहाँ दो पार्टी थी, एक तो क्लाइमेट एटली की पार्टी थी, क्लाइमेट एटली ने यूँ कहा था और एक चर्चिल की पार्टी थी, तो इस टाइम तक चर्चिल की पार्टी राज कर रही थी वहाँ से इंग्लैंड के अंदर, और चर्चिल और दूसरी पार्टी थी उसको पता क्या नाम था उसका, क्या नाम, क्लाइमेट एटली की पार्टी थी, पीपल्स पार्टी बोलते थे शायद उसे, है ना, उस पार्टी ने यूँ कहा था अगर हम जीत गए तो हम भारत को मुक्त कर देंगे, आज़ाद कर देंगे हम। और देखो संयोग ऐसा बैठा 1945 में वहाँ पार्टी जीती क्लाइमेट एटली की, वो जो क्लाइमेट एटली था ना वो प्रधानमंत्री बना देश का 1945 में, उसकी भारत के प्रति सिंपैथी थी, उसने आया 1946 में एक यहाँ मिशन भेजा 1946 में, उस मिशन का नाम पता क्या है, उसका नाम है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो जो कैबिनेट मिशन आया ना, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और 1946 में आया पहली बार कहा गया भारत के लोगों तुम टेंशन मत लो, अपनी संविधान सभा बनाओ, जाओ इंजॉय। एक भी भारतीय नहीं आया कि कुछ लोग भारतीय होंगे या कुछ अंग्रेज होंगे, नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं होने का, सारे भारतीय होंगे, बनाओ संविधान सभा। अब संविधान सभा बनाई जा रही, संविधान सभा क्यों बनाई जा रही, ताकि देश का संविधान बनाया जा सके। संविधान क्यों बनाया जा सके, ताकि देश के अंदर शासन प्रशासन चलाया जा सके। शासन प्रशासन क्या क्यों चला जा, लिखी हुई बात के आधार पर चलाया जा, वे लिखी हुई बात को कहाँ लिखी जाएगी, संविधान में लिखी जाएगी, क्योंकि किसी भी देश के पास एक संविधान होगा। संविधान दो प्रकार के हो, एक लिखित हो एक अलिखित हो, आधे बच्चे तो ये रट्टा मार कर रखो जो उत्तराखंड पढ़ने वाले, एक लिखित हो अलिखित हो, भाई लिखित और अलिखित में अंतर क्या हो, तो लिखित का मतलब था क्या समझे में, लिखा हुआ होगा, और अलिखित का मतलब लिखा हुआ नहीं होगा, दिक्कत वैसे याद कर रखा होगा। अरे महामूर्ख आदमी, अलिखित का मतलब हो, लिखा हुआ तो वो भी है लेकिन हो सकता आज कुछ और लिखा हुआ कल को कुछ और हो जा, वो बदलता रहा है, और हमारे यहाँ जो संविधान है उसे बदलना इतना आसान बात नहीं है। लिखित का मतलब हो इस साल कुछ और अगले साल कुछ और हो सके, 10 मिनट बाद बदल दें उनकी जो वहाँ की विधायी पालिका, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक बार जो हमारे संविधान निर्माता लिख कर चले गए
वो अगर वो आज के हिसाब से फिट बैठेगा ठीक तो ही, नहीं नहीं फिट बैठा तो ही बदला जाएगा वो, समझने की बात है। यो हो हमारे पास लिखा हुआ वो भी है, वे अलग अलग दस्तावेज है, अलग अलग, हमारे यहाँ सिंगल दस्तावेज है, समझ गया, सिंगल दस्तावेज, सिंगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उनके यहाँ अलग अलग दस्तावेज है। उस जो जो अलग अलग दस्तावेज हो ना, एक पन्ना योरा, एक योरा, एक योरा, एक योरा, तो उसे हम पता क्या बोल लो, उसे बोल लो अलिखित संविधान। और जो सिंगल ही डॉक्यूमेंट हो ना उसे क्या बोल लो, लिखित संविधान। तो हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है, अलिखित संविधान ब्रिटेन वालों का, समझ नहीं बात, अलिखित संविधान कहाँ का, ब्रिटेन वालों का, और अमेरिका वालों का कैसा, लिखित संविधान। और लिखित संविधान पता लग चुका है, सिंगल डॉक्यूमेंट, और उसमें लिखी हुई बात के आधार पर देश के अंदर शासन चलाया जा, प्रशासन चलाया जा। और जब शासन प्रशासन चलाया जा, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, विधायीपालिका कैसे काम करेगी, मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, सही बात है। इस ये जो राजनेता का फिर सारे के सारे चिंटू पिंटू कैसे काम करेंगे, ये मोदी सोदी कैसे काम करेंगे, सब इसके अंदर लिखा हुआ, समझ गए। पहले ही बताओ किसके दिमाग में आई थी पहली बार संविधान सभा बनाने की बात, बकती थी मतलब बोल देता ना उन बोल देता, चलो उसके बाद भी बताओ फिर कौन सा प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव खारिज हो गया था, क्यों हो गया था खारिज, तुम अपने संविधान सभा बना लेना युद्ध समाप्त होने के बावजूद, ठीक, तो जो तो झुंझुना पकड़ा देते, छोड़ दो। 8 अगस्त 1942 आया, किस प्रस्ताव आया ठाकुरराज, 8 अगस्त 1942 तो किस प्रस्ताव को आया था, तो अगस्त 1942 में आया होगा, चलो डेट ना याद रखो, किस प्रस्ताव आया, अगस्त में आया होगा ना, तो ठीक, अगस्त 1942 में आया था, कौन सा किस प्रस्ताव, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, सही बात है, जब ये मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी, तो अगस्त 1942 में आया था किस प्रस्ताव, किस प्रस्ताव में कहा गया आधे लोग तो भारतीय होंगे कि आधे अंग्रेज होंगे, इस तरह से भी ठुकरा दिया गया, कांग्रेस ने इसकी बात ही माननी। फिर 1945 में वहाँ चुनाव हुआ इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में क्लाइमेट इटली की पार्टी जीत गई, वह भारत के पक्ष में बात करती थी और जीत गई, उसने कैबिनेट मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन में बहुत सारे बंदे आए, उन्होंने भारत का दौरा करा, जनचा पर गया, हाँ चलो भाई भारत के लोगों को वो दे दो आज़ादी, आज़ादी देने का मतलब अभी नहीं आज़ादी घोषणा करी ना, उन्होंने कहा तुम अपनी संविधान सभा बना सकते हो। अब आई संविधान सभा बनाने की बात, जब संविधान सभा बनाने की बात आई तो इसमें कहा गया ए बाद में सो लिए, इतना चलना जरूरी है क्या, सोरी बैठे हुई यहाँ जी बता ले, लेट जाएंगे चीज, एक गद्दा ला के दे, गद्दा दे ला के दे, सोरी बैठे हुई, दिहाड़ी कर गई तू, मजदूरी कर गई, सोरी बैठ गया। कौन था मेरा मिशन था, सब पर रखूँ मैं, कौन कौन एक्टिविटीज कर रहा है, इधर इधर इतना पढ़ना जरूरी है तुझे, घर पर घर नहीं बने जाता, सुबह से लेकर शाम तक बस टाई 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 पढ़ी लो बैठ कर, जिस दिन पेपर था तुम भी सत्संग में चढ़ोगे, तुम जाकर बेवकूफ होगा, तुम बुद्धि भ्रष्ट होगी सारी, आए तो 4 साल बाद तो बनवागा तुम, क्या बोल रहे थे वहाँ खड़े होकर, जितनी पूजा पाठ करनी ना कर लो, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, कट्टू वाक्य बोल रहा हूँ याद रख लेना बात, लिख लो आज तीनों चारों जो बैठी पीछे पीछे, चाहे कितनी आरती उतार ली हो, जब तक नहीं पढ़ने कुछ नहीं मिलने का, समझ गए, ठीक, क्लास छोड़ छोड़ कर तुम सत्संग में कूड़ने लगी, सत्संग में काम रखा हुआ था रहा, पढ़ाई किताब उठा लो, ये बेवकूफ़ आदमी होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जब इंसान कुछ नहीं दिखता नजर आता उसे, पता नहीं कितने चढ़ा रखा, क्या चढ़ा रखा दिमाग, पागल फिर गया क्या बुद्धि, सो रही यहाँ बैठ कर बता, हद कर दी, कौन सा मिशन है वो, कैबिनेट मिशन होगा, यहाँ तक खत्म होगा, जब कैबिनेट मिशन होगा पूरा का पूरा 1946 में आया, 1946 में आने के बावजूद पता क्या हुआ, उन्होंने कहा तुम अपनी संविधान सभा बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब संविधान सभा बना सकते हो चलो, इन्होंने कहा बात मान ली। उसके बाद क्या हुआ, अब आया संविधान सभा बनाने का नंबर, तो ये तो लास्ट था, उसके बाद 1947 में भारत स्वाधीनता दिन नहीं आगा, उसके तहत यूँ कह दिया जाएगा भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, चलो भाई भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, ठीक है, तो भाई भारत को आज़ादी दी जाएगी, लास्ट अधिनियम हुआ भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, समझ में आई बात, क्या ऐसा करके भारत को आज़ादी मिली। फिर जब संविधान सभा बनाने की बात आई, फिर संविधान सभा बनने की पूरी पूरी एक तय करके, और वह कई दिनों तक मेहनत करी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगेंगे सब बनाने में संविधान को, और ऐसा करके हमारा संविधान बनकर तैयार होगा। इस संविधान को तुम जब किताब खोलोगे तो भाई साहब इसके अंदर 22 चैप्टर होंगे, 22 भाग को बांट लोगे सर, सुविधा के हिसाब से 22 भागों में बांट लोगे सर, और जब इसके अंदर आर्टिकल देखोगे, 22 तो इसके भाग होंगे, और जब इसके अंदर आर्टिकल देखोगे तो इसके अंदर आर्टिकल होंगे 1 से लेकर 395 तक, कितने होंगे 395 अनुच्छेद होंगे इसके अंदर, और उसके बाद 22 भाग होंगे इसके अंदर, 22 पार्ट होंगे, 395 अनुच्छेद होंगे, सोचा थोड़ी देर इस तक कहते ले आगे सर, यह तो मजदूरी करेगा, कितने भाग होंगे इसके अंदर,
कितने छेद दोगे? 395 छेद दोगे, 22 भाग हो गए इसके अंदर। चलो भाई अब एक बात बताओ करें, इसके अंदर 12 अनुसूचियां हूँ, कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूची। जब 12 अनुसूची पहले दी आती 8 थी पहले, चार बाद में जोड़ी गई। ठीक, मूल संविधान में कितनी थी? 8। 395 छेद थे। सवाल प्रश्न यूँ नहीं है, अब यहाँ तक मैंने तुम्हें सारा समझा दिया, पता लग जो संविधान क्या हो, संविधान के अंदर ही लिखी हुई बात के आधार पर देश के अंदर शासन प्रशासन चलाएगा। समझ में आई बात या? पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से बनकर तैयार हुआ सब बता दिया मैंने तुम्हें। समझ आई बात या? संविधान बनाने में सबसे बड़ा किसका योगदान है? ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे मैं। समझ बात या? चीफ थे मैं उसके। क्या नाम था? अंबेडकर। अंबेडकर याद रहेगी बात क्या? अपने आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी मुझे भी डांट दो। इसलिए मैंने आपको उठा रहे हैं। कोई बात डांट पड़नी जरूरी है, सुन लो, चुप जाओ, बात ना करो। तो मुझे बताओ भारतीय संविधान में कितने भाग? उसके बाद ये नहीं पूछता, उन्होंने पूछा पहले भाग में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या। और मुझे लगा इस बार यूपीएससी में सवाल था, देखा है सही, 18वें भाग में क्या है, 19वें में क्या। चलो अभी अभी नहीं बता रहा, घबराओ ना, अभी तुम्हारा दिमाग नहीं खराब कर रहा हूँ, घबराओ ना। पहले यू बताओ, संविधान सभा बना, संविधान बना दिया गया हमारा संविधान, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनाने, अम्बेडकर जी ने बना के रख दिया। ठीक, अब संविधान सभा जब बनाई गई थी, वह संविधान सभा जब बनाई गई थी तो संविधान सभा जब चल रही थी उसके कितने सत्र हुए थे पता तुम्हें? कितने सेशन हुए थे इसके? 11 सत्र हुए थे। सबसे पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। हाँ, इस दिन पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अच्छा मतलब संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? जब संविधान सभा बनाई गई थी तो 389 बंदे थे उसके अंदर, 389 मेंबर। अभी 389 बंदे थे, इसमें तो कुछ बंदे ऐसे थे जो देसी भारत आए थे, कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजी भारत आए थे। अब तुम कहोगे देसी भारत अंग्रेजी भारत कौन सा आयो? जब तुम भारत का नक्शा देखोगे ना, भारत के अंदर पूरे के पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं आता, कुछ अक्षेत्र तो अंग्रेजों का कब्जा था, कुछ अक्षेत्र ऐसा था वहाँ अंग्रेजों का कब्जा नहीं आया था, वहाँ अब भी राजाओं का कब्जा था। और जहाँ राजाओं का कब्जा था ना, देसी रजवाड़ों का कब्जा था, उसे देसी भारत बोलते थे। जहाँ अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था उसे अंग्रेजी भारत बोलते थे। तो भारत कितने भागों में बटा हुआ था? कुछ क्षेत्र तो ऐसा था जहाँ अंग्रेजों का शासन था तो उसे बोलते थे अंग्रेजी भारत। कुछ क्षेत्र ऐसा था जहाँ ब्रिटिश रजवाड़े जिसे हम राजशाही बोल रहे उनका शासन था उसे बोल लेंगे देसी भारत। देसी भारत को देसी रियासत भी बोल रहे थे। संविधान सभा में कितने मेंबर थे टोटल? 389 मतलब 296 जो मेंबर है, 296 थे, 93 थे, 93। ये कहाँ से आए थे? देसी भारत। देसी भारत पक्का। और 389 में तुम बताओ 72 कितने मुस्लिम लीग तक कितने आए थे? मुस्लिम लीग भूल गए 73 मुस्लिम लीग तो 73 थे, 73 जोड़ दोनों कितने बैठा जोड़ दो, 300 अभी बता रहे हैं। देखो अभी संविधान सभा की कुछ खास खास बात कर लो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक अगर पहली बैठक पूछी जा तो 9 दिसंबर 1946। दूसरी दो दिन बाद 2 में 2 जोड़ दो 11 दिसंबर 1946। तीसरी 13 दिसंबर 1900। टोटल कुल सत्र कितने हुए? कुल सत्र
कुल 70 कितने हुए? 11। याद रहेगी बात क्या ये पूछे जा, याद रहेगी? ये संविधान सभा की बात है। अब संविधान सभा में जो सदस्य बुलाए गए थे या संविधान सभा बना नियम, तो यहाँ इंसानी तो आगे बैठेंगे संविधान सभा के अंदर, इंसानी तो आगे बैठेंगे, और जो इंसान आगे बैठेंगे ना तो संविधान, ये भारत के हाथ में ठेका। अब भारत के अंदर जो मुख्य नेतृत्व करता है इस टाइम वो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में मुसारा काम है महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी नाराज नहीं हुए, नाराज भी हो गए तो ऐसे ही मान लो, क्योंकि महात्मा गांधी चाह रहे थे ना कभी कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी चाहते थे पुलिस ही नहीं होनी चाहिए, राम राज्य बना दो, हर इंसान जो है ना कोई भी इंसान वो नहीं है आंतरिक रूप से भ्रष्ट नहीं है बिल्कुल भी, वे ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जहाँ कोई न्याय व्यवस्था, कोई दंड व्यवस्था ना हो बिल्कुल भी, किसी को मारा ना जाए, किसी को पिटा ना जाए, पुलिस प्रशासन ही हटा देना चाहते थे वे तो, ऐसी सोचती उनकी यही फिलोसॉफी महात्मा गांधी की। वो कहते हर इंसान के अंदर अच्छा इंसान छिपा हुआ, ये महात्मा गांधी की थिंकिंग थी, वे चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी नाराज हो गए थे, इन बातों तो हट गए थे वे, इस बागडोर उन्होंने पंडित नेहरू के हाथ में सौंप दी थी। पंडित नेहरू चाह रहे थे पता क्या चाह रहे थे, कि देश के अंदर देश का संविधान बनाया जा, और देश का संविधान बनाने के लिए पंडित नेहरू निकल लिए दूसरे देशों की यात्रा पर। उनकी मुलाकात हुई सर आइवर जेनिक्स था, सर आइवर जेनिक उस समय में पता कौन थे, उस समय के बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ थे जिन्हें पॉलिटिकल साइंस की बड़ी जानकारी थी, बहुत विशेषज्ञ जिन्होंने रिसर्च कर रखी थी। जब उनसे मुलाकात हुई तो सर आइवर जेनिक ने पता क्या कहा, अरे भाई साहब पंडित नेहरू जी दूसरे देश में कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हारे देश में इतना बड़ा विद्वान पढ़ाई करके बैठा हुआ उसको जाओ संविधान बनवाओ। उसने कहा जी कौन 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 दोबारा बताना, अम्बेडकर। बस तुरंत उसके दिल पर बड़ा झटका लगा अम्बेडकर, उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू के, और उसे जबरदस्ती फिर यहाँ बुलाना पड़ गया क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति ने कहा था सर आइवर जेनिक्स से जब उसकी मुलाकात हुई थी। चलो छोड़ दे तो छोटा सा फैक्ट होगा अंबेडकर के बारे में कभी और बात, लेकिन अंबेडकर का महत्व बताना जरूरी, बिना अंबेडकर के संविधान की बात पूरी हो ही नहीं सकती। अरे सारे सवाल पेपर में सारे टोटल ये, अरे समझ डेवलप करे पूरी की पूरी, अरे जब जरूर काम आओ पेपर में। चलो हाँ कुल 11 सत्र हुए, तो ऐसा करेगा अंबेडकर तो पूछा गया कि बताओ जी क्या करना संविधान सभा बनाने के लिए, अंबेडकर ने कहा एक काम करो चुनाव तो करवा नहीं सकते कि हम एक एक का चुनाव करवाओ, दो दो तीन तीन कैंडिडेट खड़े होंगे, एक काम करो देखो जैसे हमारे पास इस टाइम उत्तराखंड है, जो क्या उत्तराखंड, उत्तराखंड की इस टाइम विधानसभा नहीं है, उसे प्रांतीय सभा बोलते थे पहले, वह प्रांतीय सभा बोलती थी, कुछ मेंबर थे पहले से बैठे होंगे क्योंकि इनमें तो उठा के बुला लेंगे, इनमें तो चुनाव करके यहाँ बुला लेंगे, सो ये हमारी संविधान सभा है दिल्ली, हमारा दिल्ली के अंदर संविधान सभा, यहाँ 389 मेंबर आने हैं, तो इस तरह करके ना कुछ तो देसी भारत तांगे कुछ अंग्रेजी भारत तांगे, जो संविधान सभा बनाए जाएंगे ना कुछ देसी भारत तांगे कुछ अंग्रेजी भारत तांगे होंगे, लेकिन सारे भारतीय, कोई अंग्रेज नहीं होने का जो इस मांगे 389 मेंबर। अब 389 मेंबर में तो कुछ ऐसे थे जो देसी रियासत आए थे, कुछ ऐसे थे जो कहाँ से आए थे, अंग्रेजी भारत से आए थे, तो देसी रियासत तो ज़्यादा आएंगे। अब ये सवाल है ये आए थे कैसे, क्या इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा के अंदर जो 389 मेंबर आए थे, क्या इनका चुनाव हुआ था? नहीं, इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसा हो ना, जनता ने वोट नहीं डाला था, जनता को जिसे वोट डाला, जैसे उन्होंने विधायक को वोट डाला, अब विधायक चाहे वहाँ विधानसभा में बैठ गया, तो विधानसभा के अंदर तो चुन कर वहाँ भेजा जाएगा, एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, 10 लाख की जनसंख्या का एक व्यक्ति भेजा जाएगा, एक व्यक्ति ऐसा जो 10 लाख लोगों की बात करेगा, नू कहेंगे चलो संविधान सभा में जो बना रहे उसमें सारे लोग वहीं जाकर बैठे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सब अपनी अपनी बात करो, तो एक तरीका हो सकेगा हम 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुन लें, भाई बढ़िया व्यक्ति हम इसकी बात मान लेंगे, यो हमारी बात वहाँ जाकर बता देगा, ये हमारी समस्या तो ये बात डाल लो तुम संविधान में। ऐसे देश के कोने कोने तक एक व्यक्ति को बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो उसे बुलाने के बावजूद जब जाकर संविधान के अंदर फिट कर दी गई बात, एक व्यक्ति ने सब बताया अपनी, मेरी यह समस्या जी मैं पहाड़ कराने वाला हूँ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये 389 मेंबर थे, ये सारे बैठ कर अंबेडकर तो बात करते थे, अंबेडकर लिखते थे चलो तुम्हारी समस्या ये प्रोविजन डालते थे, ऐसा करके हमारे देश का संविधान बना हुआ। फीलिंग आनी जरूरी हो, अगर तो मैं सिलेबस वैसे समझा दूंगा, तुम समझ गया, अगर तो मैं वैसे ही जुबान पर हटवा दूंगा सारा, देख तो लो क्या है यू, ऐसा जटिल पहलू जिसे छोड़कर सब पास कर आउट करके निकल जा। 389 मेंबर पता लगे कैसे आए, 389 मेंबर 10 लाख बंदों पर एक चुनकर एक भेजा गया, कुछ ऐसे देसी भारत आए थे कुछ ऐसे थे अंग्रेजी भारत आए थे, देसी भारत तक कितने आए थे अंग्रेजी भारत आए थे कितने, ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, ये बताना तुम मुझे कमेंट में जाकर, समझ गया सही सही बताना, और तुम्हें ये बताना तुम मुझे कांग्रेस के कितने थे इसमें, 208 पक्का श्योर 208 कांग्रेस सबसे बड़ा दल वही था, सही बात है, मुस्लिम लीग के 73 थे, सही बात है, तुम्हें ये बताना फिर कौन से क्षेत्र थे सबसे ज्यादा सदस्य थे संविधान सभा में, ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहाँ सबसे ज्यादा सदस्य थे संविधान सभा में, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर पास आउट कर निकलने।
अपना संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू कब होगा था? 26 जनवरी 1950 को। जब बनकर तैयार होगा था 26 नवंबर 1949 को, तो फिर लागू उस दिन क्यों नहीं हुआ? 1950 को ही लागू क्यों कराया? हम इन कह रहे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार होगा था। उस दिन उसी हम मनावत शायद विधि दिवस के रूप में मना दी। ये भी सवाल पूछा है पर अच्छा, विधि दिवस के रूप में मनाओ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका, 395 अनुच्छेद उसके अंदर, 22 भाग 12 8 अनुसूचियाँ उसके अंदर उस टाइम पर 8 अनुसूचियाँ, तो हमने लागू क्यों नहीं करायो? इसलिए नहीं कम कराया क्योंकि हम एक डेट आगे की निर्धारित करें, उस दिन लागू करेंगे सर, उस दिन लागू करेंगे। संविधान में लिखी बात अब लागू हो जाएगी। अब वो कब लागू होगी? 26 जनवरी की डेट हमने चुनी। 26 जनवरी की डेट हमने इसलिए चुनी क्योंकि 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन हुआ था और रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल ने मोतीलाल नेहरू थे। कब फहराया था? 1929 में रावी नदी के तट पर। समझ बात क्या? कौन सा लाहौर अधिवेशन था ना, याद रहेगी बात क्या? लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर फैलाया था झंडा। तो हमने उस डेट का महत्व कम नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए हमने एक साल रोक कर रखा है। और एक साल रोक कर रखा है, ज्यादा 2-3 महीने बस, नवंबर दिसंबर जनवरी 2-3 महीने रोक कर रखा। 2-3 महीने बाद वह डेट फेमस कर दिया हमने। बिल्कुल, जैसे तुम्हारी कोई डेट फेमस होगी 14 फरवरी। सही बात है नहीं, प्रत्येक इंसान की एक डेट हो ना, उसकी जिंदगी में एक खास डेट हो जो फिक्स हो। क्या ऐसा है जो बैठा हुआ ना, तुम्हारी जो उम्र हो उसमें एक डेट हमेशा फिक्स करके रखा बच्चा? तुम्हारी कोई डेट फिक्स नहीं है क्या, ऐसी जो बहुत यादगार डेट हो? नहीं, वो दूसरी डेट हो। वह सही बात है, वो लगी डेट हो। चलो बात मत करो बिल्कुल भी, तुम्हारी उम्र में यही हाल हो। चलो एक बात बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक आगे बढ़ू? अच्छा जरा एक बात बताओ, भारत का संविधान लागू हो गया? हो गया। अच्छा, अब भारत का जब संविधान, संविधान ये संविधान है भैया? हाँ जी संविधान। संविधान तो दो प्रकार का हो क्या? क्या 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 दो प्रकार का मतलब संविधान किसी देश की सबसे बड़ी विधि हो, सुप्रोमेसी लो हो, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। अरे कहना है चाहे यो कानून, ऐसा कानून है जो राज्य ने बनाया या केंद्र बनाया कानून, जो राज्य ने बनाया केंद्र बनाया कानून, इसके ऊपर रखा है संविधान। जिस दिन दोनों कानून इस तरह टकराएंगे ना, ये दोनों हमेशा नीचे रहेंगे कानून, क्योंकि वो सबसे बड़ी कानून, उसके अंदर जो बात लिखी हुई मौलिक अधिकार लिखे हुए इसके अंदर, We have fundamental rights. और जो मौलिक अधिकार लिखे हुए ना अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उनके सामने न्यायपालिका को माथा टेकना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज है न्यायपालिका, आज तक अब तक भी मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं कर पाई। तो तुम कौन हो पढ़ने वाले? जो कह रहे मैंने पूरा संविधान पढ़ लिया और मैंने याद पढ़ा हुआ, बेटे याद ही कर रहा है अभी, उसका विश्लेषण करने को तो ऐसी तैसी होगी न्यायपालिका की, आज तक इंटरप्रिटेशन करती फिर रही उसका विश्लेषण, तुम कह रहे हमने याद कर लिया। ठीक, तो याद युद्ध कुछ नहीं करा, बोर्ड बताए कि समझ लो सर, याद कर लिया भैया ने उन्होंने। सुन लो, संविधान दो प्रकार का हो, एक तो हो लिखित, एक हो लिखित संविधान, लिखित, और एक हो अलिखित। मतलब आज से पहली को समझा ही लो ये क्या बीमारी है। ठीक, एक तो लिखित होगा और एक होगा अलिखित। भाई लिखित संविधान कौन सा हो? अरे अलिखित कौन था? यो न जहाँ लिखित संविधान हो, जिस देश में भी लिखित संविधान होगा वो एक योजना बनाएंगे, नहीं बाद बनाया गया। जैसे भारत का संविधान पहले योजना बनाएगी, योजनाबद्ध तरीके का परिणाम, इसका मतलब है पहले एक योजना बनाई गई थी उसे तब जाकर संविधान बनाया गया। याद रहेगी बात ये? ठीक, तो योजना बनाई जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके का परिणाम हुआ, योजनाबद्ध तरीके का परिणाम, योजनाबद्ध तरीके का परिणाम ना यो ऐसा। और दूसरा क्या है, यहाँ जो दस्तावेज हो ना वे औपचारिक दस्तावेज हो, फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो,
और सिंगल डॉक्यूमेंट हो, या एकल दस्तावेज हो, एकल दस्तावेज, एकल दस्तावेज, एकल दस्तावेज, दस्तावेज, और यहाँ हो अलग अलग दस्तावेज, अलग अलग दस्ता डॉक्यूमेंट, यहाँ अलग अलग दस्तावेज हो जहाँ भी। इसका मतलब क्या हो गुरुजी? अरे भाई जहाँ भी अलीगढ़ संविधान होगा ना वहाँ अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे। लक्ष्मी उठ जा, उठ रही, चल ठीक है फिर तो। जो लिखित लिखित संविधान होगा ना, लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान जहाँ भी वो योजना तरीका परिणाम होगा, अलिखित संविधान जहाँ भी होगा समझ लो वहाँ संविधान सभा होगी, वहाँ संविधान सभा होगी जहाँ भी लिखित संविधान होगा। और जहाँ भी अलिखित संविधान होगा ना जरूरी वहाँ संविधान सभा हो, वहाँ संविधान सभा को कोई चक्कर नहीं होने का, वो अलग अलग दस्तावेज होंगे। आज दस्तावेज कुछ और, अगली बार कुछ और होंगे, और अगली बार कुछ और होंगे, और कभी भी बदले जा सके, समझ बात यार। जैसे उनके उनके कानून में एक व्यवस्था थी पहले, पता क्या व्यवस्था थी? जो मृत्युदंड है ना इंग्लैंड के अंदर, ध्यान से सुनना मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, इंग्लैंड के कानून में पता क्या लिखा होता, जो उन्होंने संविधान बना रखा था, जो लिख रखा था अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया ना, ठीक, तो उसे ना उम्र कैद की सजा होगी, मतलब फांसी दे दी जाएगी उसे, लिख रखा था ना। पता लग गया जिनने कानून बनाया था ना उसके खुद के बेटे ने मर्डर कर दिया, होगा होगा, तो पता क्या हुआ, उसने फिर जो प्रपोजल है वो पास करवाया संविधान, उस वहाँ की संविधान सभा में, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको पास करवाया, उस लोग उस कानून को तुरंत बदल दिया। कह रहे नहीं नहीं उसको उम्र कैद की सजा नहीं, उसे 10-15 महीने की सजा होगी, वैसे में उम्र कैद की सजा करवा देंगे लेकिन फांसी की सजा नहीं देंगे। चलो उम्र कैद जिंदा तो रहेगा कम से कम, खुद के बेटे बदलेगा कानून, बेटे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो लिखा हुआ ना एक बार उसको कोई नहीं काट सकता, इसी चीज़ को संविधान क्या बोल। इसलिए मोदी जी ने शपथ ली ना, सबसे पहले ना संविधान को उठाया करूँ, ऐसे करो क्या बोल ले, जब संविधान वाला मामला, जब संविधान वाला मामला झिला नहीं ना, तो मोदी जी को पता क्या बोलना पड़ा, नहीं अगर अंबेडकर भी इस धरती पर जाए अब संविधान नहीं बदल सकते, ये कुछ ज्यादा ही होगा, लोगों की समझ में नहीं आई बात यार, लोगों की समझ में नहीं आई बात यार। इस बार राहुल गांधी खेलेगा, अच्छा खेलेगा संविधान पर, ठीक, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर इस बार मोदी को चुनाव जीतना होगा ना तो संविधान पर खेल लो जाकर, संविधान संविधान जो खेल लगा ना सही बात हो पास हो जा। पिछली बार ना मोदी जी पता क्यों जीत गए थे? क्योंकि मोदी जी ने संविधान संविधान खेला था, तो पता लग चुका इनके डॉक्यूमेंट ऐसे बदल जा, इनके डॉक्यूमेंट बदल जा अलिखित संविधान। तो ये बताओ इंग्लैंड वाले, जो इंग्लैंड वाले हैं, इंग्लैंड वाले इनका अलिखित संविधान जो हो ना लिखित संविधान, ये भारत का, ये भारत का लिखित संविधान, अमेरिका का भी लिखित संविधान, पूछे जाएं ना, पूछे जा ऐसे देशों का नाम बताओ जिसका लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, श्रीलंका का बताओ लिखित है, लिखित क्या करोगे, मतलब क्यों जिंदगी छंड कर रहे हो, लोकल देश का भी नाम नहीं बता तुम, अच्छा कमेंट में बताओगे, श्रीलंका का, श्रीलंका का, अच्छा लड़की कह रही श्रीलंका का जो संविधान है लिखित है, लिखित है, कमेंट में बताओगे, सुन लो ध्यान लगा, रुक जाओ रुक जाओ, अलिखित संविधान पता लग चुका, इतना तो पता लग चुका। अच्छा ये बात बताओ करेक, हम ज्यादातर किसके गुलाम रहे, अंग्रेजों के, अमेरिका के, अमेरिका के थोड़े गुलाम रहे, अमेरिका खुद अंग्रेजों का गुलाम रहा, समझाई बात यार, अमेरिका खुद अंग्रेजों को गुलाम रहा। तो ये बताओ तो हमारे जो देश था अमेरिका का संविधान बना 1787 में, अब भारत का बना 1950 में जाकर, 1946 के बाद बनना स्टार्ट हो गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे 1950 तक बना। तो अब ये बताओ उनका बना 1787 में, बैठे 200-300 साल पहले संविधान बना के बैठ गए, उनके संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद, हमारे में 395, उनका भी लिखित हमारा भी लिखित, ठीक, उनका भी लिखित हमारा भी लिखित। यहाँ जब संविधान लिखा गया तो अम्बेडकर ने अमेरिका की कॉपी करी, अमेरिका की कॉपी करी, यहाँ की कॉपी नहीं करी इंग्लैंड वालों की, ऐसा क्यों पता फिर बताऊंगा बाद में, समझ रहे हैं ना बात क्या कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसके बाद एक पहलू निकल करने वाला, फिर हम उत्तराखंड की पॉलिटी में घुसेंगे, यूनिया के बार बार हाय हाय बात कर फेंक रहे लोग, कुछ भी करे जा रहे यार,
ना एक टीचर को देख रहा था, लगाओ भाई पीडीएफ, लगाओ पीडीएफ 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 कौन एसएससी वाला, वो एक मास्टर देख रहा था, क्या बीमारी फैला रखी है सर में दर्द फालतू का। पढ़ाई समझ गई हो, ये बात जान लो अच्छी तरह, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जा लेकिन ये होगी समझ जाओगे, अच्छी तरह समझ जाओ, ठीक। लिखित संविधान होगा, अलिखित संविधान होगा, अभी चल छूटते कर रहे हो, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद दो व्यवस्था हो हमारे, एक हो संसदात्मक शासन व्यवस्था, एक हो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था यह बात सब लोग रट्टा मार कर रख, लेकिन मैं दो मिनट एक मिनट के लिए तुमसे पूछना चाहता हूँ, जितना भी लोग ये वीडियो देखना चाह रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था में और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर हो, समझ नहीं पाती, ये मेरा आज का सवाल है। अब देखते हैं कमेंट में कौन कितना अच्छा उत्तर लिखेगा इसका, उनका भी नॉलेज देख लेंगे, ये कौन सा पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, ये कितना सीरियस बच्चा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में और संसदीय शासन व्यवस्था में। इंग्लिश में बता दो एक बार, इंग्लिश में बता दो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम हो, एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। याद रहेगी बात क्या, आज के एपिसोड में मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूँ, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा, समझ गई बात क्या, वो बड़ी कमाल की चीज होगी। हाँ, टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी, 28 जून, समझ गई बात क्या, पता लग चुका। क्लास किस टाइम जाता है मेरा डेली, 8 बजे, कितने बजे, सुबह को 8 बजे, कोई दिक्कत, मिलते हैं फिर कल।